फ्रेंड आज थर्ड डे का गेम है हमारे आकाश काइट क्लब का। ये रहे अजहर भाई जगह बनाते हुए और बाकी सारे मेंबर, और ये हमारे आलोक भाई स्पीड क्लब के, और कैप्टन आजकल कौन है आपके क्लब में? वो आ रहे हैं कैप्टन। ये कैप्टन उधर आ रहे हैं स्कूटी पे समीर भाई के साथ। ये देखिए, और कैप्टन हर साल बदलता रहता है स्पीड में, क्यों आलोक भाई? हर साल चेंज होता रहता है। और ये रहे हमारे सलमान भाई, मिराज भाई, बढ़िया सत्ता काटा दूसरे गेम में इन्होंने। और ये रहे हमारे कैप्टन नासिर भाई। तो नासिर भाई आपके क्लब का नाम क्या है? नहीं नहीं नहीं, आप नाम बताइए। नहीं, नाम बताइए, आप क्या नाम है? आकाश क्लब। आकाश क्लब, आकाश क्लब यार। और ये देखिए काफी पुरानी पतंग लेके आए आलोक भाई। हाँ आलोक भाई, बहुत पुरानी पतंग लग रही है, किसकी है? सब्बन उस्ताद। ये देखिए सब्बन उस्ताद की काफी पुरानी पतंग है। तो मिराज भाई कुछ मतलब हवा के हिसाब से लग नहीं रहा, फटे फटे की कुछ फट जाएगी, लग जाएगी, फट जाएगी। ये हमारे ताबिश भाई आ गए, प्रेजेंट टाइम पे कैप्टन है स्पीड क्लब के। अच्छा अल्लाह भाई, ये देखिए मिराज भाई जी। मिराज भाई, अच्छा सिर्फ गेम देखने के लिए? कल नहीं आए, कल भी गेम था, परसों भी था, तो आज भी बढ़िया गेम होगा। और आज भी बहुत ही खतरनाक दोनों टीमें हैं, एक तरफ दिल्ली की और एक तरफ लखनऊ की स्पीड का क्लब। सलमान भाई क्या कहना है? बहुत बढ़िया मैच होगा, बहुत बढ़िया मैच होगा, बहुत अच्छी फाइट होगी, बहुत बढ़िया फाइट होगी। आज भी मौसम साफ है, हवा भी अच्छी, हवा भी बढ़िया है। तो जगह बनाते हुए दोनों टीमें, उसके बाद गेम स्टार्ट होता है तो हम लोग कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स आकाश दिल्ली और स्पीड के बीच में तय हो गया है कि जैसा आपने पिछले गेम में देखा था जो डालीगंज में तय हुआ था कि अगर 5:15 के बाद 3 पर्चे हैं तो वो लड़ेंगे, और अगर उससे ज़्यादा है तो सिर्फ 2 पेज लड़ेगा और गेम वहीं पे एंड हो जाएगा। तो दोनों लोग पतंग को तैयार अपनी करते हुए, और देखते हैं पहला पेज कौन लड़ेगा दोनों टीमों की ओर से। तो आज के दिन का पहला गेम नीचे से पहुँच गए अजहर भाई आकाश काइट क्लब के लिए जगह बनाते हुए, और ऊपर का पहला पेज लड़ा रहे हैं स्पीड के आलोक भाई। चलते हैं जल्दी से पेज पे, देखते हैं कौन काटेगा पहला पेज। और 500 मीटर की रेंज में लड़ रहा है नीचे से अजहर भाई जगह लेते हुए, ऊपर से आलोक भाई बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए, सही की आवाज़ दी, अंदर के मुड्ढे पे पतंग को खींचते जा रहे हैं अजहर भाई। थोड़ा सा ऊंचा करके मुड्ढा दिया, रोके आलोक भाई, निकलता हूँ मुड्ढा बनाया, करीब करा, करीब करके रोका, रोके फिर से निकलता हूँ मुड्ढा, क्रॉस पट पे खींचा अजहर भाई ने, दोनों लोग अपनी ताकत से खींच रहे हैं और आलोक भाई ये पेज कट गए। तो एक पेज आज के दिन का पहला काट दिया है आकाश काइट क्लब दिल्ली के लिए अजहर भाई ने। तो दूसरा पेज रोकने के लिए स्पीड क्लब के कैप्टन आ गए ताबिश भाई, और चलते हैं पेज पे। अजहर भाई का दूसरा पेज है नीचे से जगह लेते हुए, ऊपर से अपनी पतंग का मुड्ढा उतारते हुए ताबिश भाई स्पीड क्लब के कैप्टन धीरे धीरे अपनी पतंग का मुड्ढा रखते जा रहे हैं, और रेंज वही बनी हुई है 550 की रेंज होगी, 500-550 के करीब करीब वही होगा, ऊपर से अंदर की तरफ रखते हुए, सही की आवाज़ दी, पेज सही हो गया, दोनों पतंगें बराबर। अजहर भाई ने पतंग को थोड़ा सा बाहर निकाला, दोबारा से अंदर की तरफ जगह लेते हुए ताबिश भाई ऊपर से अंदर की तरफ अपनी पतंग को ले जा रहे हैं, रेंज बनी हुई है, दोनों पतंगें बराबर हैं, रेंज में ही हैं, बीचों बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए थोड़ा सा अंदर के मुड्ढे पे ताकत से खींचते हुए ताबिश भाई, और अजहर भाई अंदर के मुड्ढे पे अपनी पतंग को ऊंचा करते चले जा रहे हैं, बाहर का मुड्ढा बनाया, उसी को काफ़ी दूर से लेकर चल रहे हैं, ताकत बनाए हुए, रोका, रोक के पतंग को चमकाया ताबिश भाई ने, निकलता मुड्ढा बनाया, फिर से अजहर भाई ने पट पे खींचा, निकलती हुई पतंग जा रही ताबिश भाई भी, अजहर भाई पट पे ताकत से खींच रहे, दोनों लोग अभी भी खींच रहे, कोई काट काट नहीं, और काफ़ी देर के बाद अजहर भाई ने फिर से ये पेज ताकत से खींचते हुए काट दिया ताबिश को, 2 पेज अपने पूरे कर लिए आकाश दिल्ली के लिए। स्पीड के आलोक भाई आ गए फिर से तीसरा पेज रोकने के लिए अजहर भाई को, और रेंज वही बनी है 550-600 के करीब की, नीचे से जगह लेते हुए अजहर भाई, और ऊपर से अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए आलोक भाई, बीच में अपनी पतंग को उतारते आ रहे हैं अजहर भाई, अपनी पतंग को चमकाते हुए, सही की आवाज़ दे दी, पेज सही हो गया, बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए निकलता मुड्ढा आलोक भाई ने काफ़ी दूर से बनाया, अजहर भाई ने बाहर का मुड्ढा बनाया, उसी को ताकत से खींचते जा रहे हैं, रुक नहीं, रोक के आलोक भाई ने भी निकलता मुड्ढा बना, दोनों लोग अपनी ताकत से खींचने, खड़ी पतंग खींच रही है अजहर भाई की, और फिर से ये पेज अजहर भाई ने काट दिया आलोक को, और 3 पेज अपने पूरे कर लिए आकाश दिल्ली के लिए। तो चौथे पेज के लिए आ गए हैं स्पीड के समीर भाई,
और अब एक गजब का पेच दोनों के बीच में होने वाला, एक तरफ ताकत से खींचने वाले समीर और दिल्ली के काफ़ी नामी प्लेयर अजहर भाई। देखते हैं याला पेज में क्या होगा, कौन किसको काटेगा। टक्कर वाला एक पेज होगा। नीचे से अजहर भाई अपने चौथे पेज के लिए जगह लेते हुए, पेज सही हो गया है। अंदर के मुड्ढे पे पतंग उतारते हुए समीर, हल्की सी हवा, अंदर के मुड्ढे पे पतंग उतारते जा रहे हैं। अजहर भाई भी जगह लिए हुए हैं, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया। समीर ने बीचों बीच में अपनी पतंग को रोके हैं, अजहर भाई ने बाहर का मुड्ढा बनाया, पतंग को चमका रहे हैं, अभी भी चमका रहे हैं। कड़ौता हुआ मुड्ढा मारा, ताकत से खड़ा खींचे जा रहे हैं। निकलती हुई पतंग जा रही समीर की, समीर अभी भी ताकत से मारता है और ये पेज अब की बार अजहर भाई सीधा खड़ी पतंग खींच रहे थे, कट गए। तो एक पेज हो गया समीर का स्पीड काइट क्लब लखनऊ के लिए। तो समीर भाई फिर से ऊपर से, लेकिन दूसरी पतंग है वाली पतंग कट चुके हैं और दोनों का इस पतंग से पहला होगा। और नीचे से पहुंच गए हैं मिराज भाई, हिप्पी भाई ने पेज काटा, मिराज भाई को चांस दी है। आज के दिन का पहला पेज होगा मिराज भाई का, 550 मीटर की रेंज में पेज फिर रहा है। सही की आवाज़ दी, पेज सही हो गया। ऊपर से अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए समीर, नीचे से मिराज भाई जगह लेते हुए। और पिछले वाला आपने गेम देखा होगा, बहुत बढ़िया पतंग लाई थी हमारे मिराज भाई ने। अब की बार देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस देंगे आज के दिन का। नीचे से जगह लेते हुए मिराज भाई अपनी पतंग को ऊपर से चमकाते हुए, बीचों बीच में मुड्ढा उतारते हुए मिराज भाई अंदर के मुड्ढे पर डोर निकालते चले जा रहे हैं। करीब करा समीर ने, रोका, रोक के निकलता हुआ मुड्ढा बनाया। मिराज भाई रुके हैं, अभी भी डोर निकाल लें, अंदर की तरफ खींचा, डबल होती हुई पतंग जा रही समीर की और समीर ये पेच कट गए। बढ़िया पे थोड़ा लेट खींचते हुए अंदर की तरफ काटा मिराज भाई ने और एक पेज अपना पूरा कर लिया आकाश दिल्ली के लिए। नीचे से जगह लेते हुए मिराज भाई अपने दूसरे पेज के लिए आकाश दिल्ली और ऊपर से स्पीड के ताबिश भाई कैप्टन मुड्ढा रखते जा रहे हैं। दोनों पतंगे बराबर, बीचों बीच में अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए पेज सही हो गया। मिराज भाई ने अंदर के मुड्ढे पे पतंग को खींचा, काफ़ी ऊंचा करके अंदर के मुड्ढे पे पतंग को रोके हुए, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया ताबिश भाई ने। थोड़ा सा क्रॉस जा रहा, पतंग सीधी होती जा रही है, डोरों पे रख लिया है, तेज तेज झटके मार रहे हैं ताबिश, सीधे बाहर की तरफ झटके मार रहा है मिराज भाई। और फिर से ये पेज काट के अपने दो पेज पूरे कर लिए हैं आकाश दिल्ली के लिए। मिराज भाई क्या खा रहे हैं बता दीजिए, हम भी खा लेंगे तो अपने मोहल्ले में बच्चों बच्चों को काट लेंगे। नहीं बताएंगे। अच्छा मतलब कह रहे नहीं बताएंगे, अरे बता दीजिए भाई कोई कौन सी मतलब जड़ी बूटी है। बढ़िया दो पेज फिर से मिराज भाई ने काट दिए। और अपोजिट में अब की बार समीर भाई फिर से आ गए हैं लड़ाने के लिए। तीसरा पेज चलते हैं मिराज भाई के तीसरे पेज पे। पेज सही हो गया, नीचे से मिराज भाई अपना तीसरा पे लड़ा रहे हैं, ऊपर से आ गए हैं समीर, ताकत से अंदर की तरफ चढ़ते हुए। थोड़ी सी रेंज अब की बार पहले से कम है, 400 मीटर की रेंज होगी। मिराज भाई ने काफ़ी बढ़ करके खड़ा मुड्ढा लिया, लेकिन समीर भाई अपनी पतंग को ऊपर ही ऊपर खींचते हुए और अब की बार लग रहा थोड़ा सा रेंज कम करा के गद्दा मारने के मूड में है स्पीड काइट क्लब के समीर भाई। बीचों बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए मिराज भाई ने काफ़ी दूरी से बाहर का मुड्ढा बनाया, उसी को ताकत से लेते चले आ रहे हैं। समीर भाई ने भी निकलता मुड्ढा बनाया, समीर भाई की पतंग सीधी हो रही, मिराज भाई डोरों पे रोके हुए हैं, झटके मारे समीर ने, पट पे झटके मार दिए। मिराज भाई ने फिर से एक खूबसूरत पेज काट के अपने तीन पेज पूरे कर लिए आकाश दिल्ली के लिए। मिराज भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले मैं बहुत दुबला था, खींच नहीं पाता था, थैंक्स टू दिस प्रोडक्ट अब मैं बहुत ताकत से खींचता हूँ, मुझे धूप भी नहीं लगती, लेकिन प्रोडक्ट का नाम नहीं बता रहे। बढ़िया पेज समीर को भी काट दिया मिराज भाई ने और अपने तीन पेज पूरे कर लिए हैं। और देखते हैं अब की बार चौथा पेज कौन लड़ाएगा स्पीड काइट क्लब लखनऊ की तरफ से। और 3 बजे के करीब हम आपको अपडेट करेंगे किसके पास कितने टिकट है, उसके बाद फिर हम आपको 4:30 बजे के करीब अपडेट करके बताएंगे किसके पास कितने टिकट है। ये गेम काफ़ी तगड़ा है, दोनों ही टीमें बहुत ही ताकत वाली हैं, बढ़िया प्लेयर हैं दोनों ही टीमों में। नीचे से मिराज भाई जगह लेते हुए अपने चौथे पेज के लिए, चौथा पेज रोकने के लिए आ गए हैं आलोक भाई। बीचों बीच में अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए और आलोक भाई की पतंग थोड़ी सी कम लग रही है। मिराज भाई ने काफ़ी ऊँचा करके फिर से मुड्ढा दिया, बाहर का मुड्ढा खींचा, आलोक भाई थोड़ी रेंज को कम कर रहे हैं ऊपर ही ऊपर, लेकिन फिर भी अभी पेज जो है 500 मीटर के करीब करीब बहुत आराम से लड़ रहा है। मिराज भाई ने थोड़ा पट पे खाली कराया, फिर से ताकत से ऊपर खींचा, बहुत आसमान में पेज लड़ा रहे हैं मिराज भाई। और ज़मीन से अगर ऊंचाई दिखा दे तो काफ़ी ज़्यादा है, देखिए ये पेज लड़ रहा है। वो यहाँ से कैमरा नीचे करते हैं तो देख सकते हैं अब जाके कहीं फैक्ट्री और ज़मीन दिख रही है, तो बहुत ऊँचे पे पेज लड़ा रहा है एकदम आसमान में। मिराज भाई जगह लिए हैं, बाहर का मुड्ढा बनाया, खींचा, लेकिन कोई तालमेल नहीं, काफ़ी दूर है। आलोक भाई ने अपनी पतंग को बढ़ कर लिया है ऊपर ही ऊपर, मिराज भाई अपनी पतंग को चमकाते जा रहे हैं, थोड़ा सा गर्दन की तरफ फिर से अंदर का मुट्ठा बनाया। मिराज भाई ज़्यादा से ज़्यादा जगह ले रहे हैं। आलोक भाई अपनी पतंग को उपकी बार पढ़ करके निकलता मुट्ठा बना लिया, उसी को ताकत से भरा, करीब करके रोका, रोक के सल्लक बाहर का मुट्ठा बनाया, डबल होती पतंग आलोक भाई की जा रही है, तेज थपकिया मार रहे हैं अंदर की तरफ मिराज भाई खींच रहे, दोनों लोग ताकत से खींचने लगे, डबल पे दोनों की पतंगे और
और अब की बार मिराज भाई ये पेज कट गया, आलोक भाई ने काट दिया है, बढ़िया डबल का पेज हुआ और एक पेज हो गया है आलोक भाई का स्पीड काट क्लब लखनऊ के लिए। तो आलोक भाई ने पेज काटा और नीचे से दिल्ली के मेंबर हिप्पी भाई को बुला लिया है, जिन्होंने ऊपर से एक पेज काटा था और चांस दी थी मिराज भाई को। तो हिप्पी भाई नीचे से लड़ाएंगे और आलोक भाई ऊपर से लड़ाएंगे अपना दूसरा पेज। तो देखते हैं आपकी बार कौन काटेगा। नीचे से जगह लेते हुए हिप्पी भाई दिल्ली के लिए हवा राइट हैंड जिधर स्पीड काइट क्लब है उधर काफ़ी ज़्यादा दब गई है। अपनी पतंग को बढ़ करके लड़ाते हुए आलोक नीचे से जगह लेते जा रहे हैं हिप्पी भाई और गर्दन की तरफ अपनी पतंग को लेते हुए जा रहे हैं आलोक भाई और काफ़ी ज़्यादा बढ़ है। नीचे नीचे देख सकते हैं सलग मुठ्ठा बना के जगह लेते चले जा रहे हैं हिप्पी भाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़ काटने की कोशिश में है। बाहर का मुठ्ठा बनाया हिप्पी भाई ने, रुके के अंदर की तरफ ताकत से खींचा, तेज तेज झटके मारे, निकलती हुई पतंग जा रही है आलोक की, आलोक भी सीधा करके झटके मारो, बढ़िया पेज अब की बार आलोक भाई ने करीब करके मुठ्ठा बदल के डबल का झटके मार के काट दिया और दो पेज अपने पूरे कर लिए स्पीड लखनऊ के लिए। नीचे से समीर भाई, ऊपर से जावेद भाई, आलोक भाई ने दो पेज काटे और समीर भाई को चांस दे दिए अंदर के मुठ्ठे पे पतंग को उतारते हुए। जावेद भाई दिल्ली के मेंबर, रेंज काफ़ी कम हो गई है और निकलता हुआ मुठ्ठा काफ़ी करीब करके बनाया भागदा समीर भाई ने बनाया, जावेद भाई ने करीब करके रोका, रोक के अंदर का मुठ्ठा बनाया भागदा समीर भाई, ताकत से खींचना अंदर की तब खींचते हुए जावेद भाई और समीर भाई ये पेज कट गए। तो एक पेज काट दिया जावेद भाई ने, देखते हैं दिल्ली के किस मेंबर को चांस देंगे। तो नीचे से जावेद भाई पहुँच गए अपना दूसरा पेज लड़ाने के लिए और ऊपर से फिर से आलोक भाई, तो देखते हैं अब की बार काट के किसी मेंबर को चांस दे पाते हैं कि नहीं। नीचे से जावेद भाई जगह लेते जा रहे हैं, पेज सही हो गया है 500 मीटर की रेंज, पतंग को चमकाते हुए बाहर का मुड्ढा जावेद भाई ने बनाया, धीरे धीरे अपनी पतंग को करीब कर रहे हैं आलोक भाई भी, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया बाहर के मुड्ढे पे खींच रहे हैं जावेद भाई भी, सलग निकलता हुआ मुड्ढा आपके बाहर आलोक भाई ने क्रॉस पट पे खींचा है जावेद भाई ने, दोनों लोग ताकत से खींच रहे हैं, ताकत से खींचते चले आ रहे हैं आलोक भाई भी और फिर से ये पेज अब की बार आलोक भाई ने काट के अपने तीन पेज पूरे कर लिए हैं, लेकिन रोक रोक कर लड़ा रहे हैं इस पतंग से, तीन पेज हो गए हैं और देखते हैं किसको चांस देंगे अब की बार। कोई मेंबर आगे नहीं बढ़ रहा, समीर भाई पतंग बना रहे हैं, ताबिश भाई को चांस मिल गई है नीचे के पेज के लिए बढ़ते हुए। नीचे से ताबिश भाई, ऊपर से अजहर भाई, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, करीब करके रोका, पतंग को चमका रहे हैं, फिर से निकलता हुआ मुड्ढा अजहर भाई ने बनाया, ताबिश भाई ने पटका मुड्ढा बनाया, रुके रुके अंदर खींचा, अंदर तब खींचे खींच रहे हैं अजहर भाई भी और ये तुरंत डोर मिल गई, ताबिश भाई ये पेज कट गया, एक पेज हो गया है अजहर भाई का आकाश दिल्ली के लिए। पेज सही, ऊपर से सही होते सीधा गद्दा आलोक भाई ने बनाया, निकलती हुई पतंग, रुके फिर से बाहर का मुठ्ठा बनाया, मिराज भाई नीचे लड़ा रहा अंदर के मुठ्ठे पर ताकत से खींच रहे हैं, डबल होती पतंग आलोक भाई की फिर से जा रही, क्रॉस अंदर की तरफ खींचा है, दोनों लोग ताकत से खींच रहे हैं, कोई काट काट नहीं हुई और काफ़ी नीचे आने के बाद दोनों लोगों ने थपकियों पे लड़ाया जिसमें मिराज भाई ये पेज कट गए। तो फिर से चौथा पेज था आलोक का इस पतंग से, लेकिन रोक रोक के लड़ा रहे हैं और देखते हैं अब की बार किसको चांस देंगे स्पीड काइट क्लब लखनऊ के लिए। तो समीर भाई फिर से बढ़ते हुए और देखते हैं अब की बार नीचे से पेज काट पाते हैं कि नहीं समीर भाई, और ऊपर से अजहर भाई ने ताबिश भाई को काटा था, तो अजहर भाई लड़ाएंगे जहां तक उम्मीद है ऊपर का पेज दिल्ली आकाश के लिए। एक बार फिर से नीचे से समीर भाई को चांस मिली है और ऊपर से अजहर भाई अंदर का मुठ्ठा रखते हुए कम रेंज में पतंग लड़ती हुई, निकलता मुठ्ठा अजहर भाई ने बनाया, 250 से 300 मीटर होगी या उससे भी कह सकते थोड़ा सा कम है, अपनी पतंग को गर्दन के पास लगाए हुए अजहर भाई, निकलता मुठ्ठा धीरे धीरे हल्के हाथ से बना रहे, ताकत भरते हुए ताकत भर ली और ये देखिए टून टूट गया है समीर भाई का, और ये देखिए लड़के ने पतंग पकड़ी और लेकिन पेज मिल जाएगा, ये देखिए हाथ से समीर भाई के टून टूट गया, मुठ्ठा बना रहे थे अंदर का, और आगे बढ़ते हुए पतंग लेंगे अपनी लेकिन पेज हो जाएगा, ये और पतंग खींचने के लिए आ जा रहा है ये लड़का, पतंग लेके आ रहा है देने के लिए वापस समीर भाई को, और पेज जो है वो हक में है दिल्ली के, तो देखते हैं दिल्ली के कोई मेहमान नीचे चढ़ाएंगे या समीर भाई खुद ही नीचे चढ़ाएंगे इस पतंग को। तो ये रहे हमारे समीर भाई गीठा लगाते हुए अपनी पतंग पे, चलते हैं पेज पे देखेंगे कौन कहाँ चढ़ाता है आपकी बार। तो समीर भाई की पतंग पे कुछ डाउट था तो समीर भाई पीछे की तरफ बढ़ गए हैं और आलोक भाई लगातार काट रहे थे, चार पेज भी काटे, अब कंटिन्यू लड़ाएंगे लगता है नीचे से, और नीचे के पेज के लिए बढ़ते हुए जगह बनाते हुए और ऊपर से बने हुए हैं अजहर भाई आकाश दिल्ली के लिए। तो नीचे से आलोक भाई अपनी पतंग को लेके आए और रेंज थोड़ी सी निकाल दी है आलोक भाई ने, करीब 400 से 450 मीटर की रेंज होगी, अजहर भाई अपनी पतंग को कम करते हुए ऊपर ही ऊपर मुड्ढा बना रहे हैं, पेज सही हो गया है और आलोक भाई बड़ पतंग से जगह लेते चले आ रहे हैं लगातार, अजहर भाई ने थोड़ा निकलता हुआ मुड्ढा बनाया काफ़ी दूरी से, गर्दन तब बढ़ते हुए रोके हुए हैं, फिर से बीचों बीच में मुड्ढा बनाया, अंदर की तब उतरते जा रहे हैं भाग तब आलोक भाई ने अपनी बड़ पतंग से खींचा, निकलता हुआ मुड्ढा अजहर भाई ने बनाया, उसी को ताकत से भरे हुए मारते जा रहे हैं, आलोक भाई ने रोका थोड़ा सा पट पर खींचा पतंग से भाग दब जा रही लेकिन कट गए। तो बढ़िया ताकत वाले पेज में अजहर भाई ने काट दिया है और एक पेज अपना पूरा कर लिया आकाश दिल्ली के लिए।
अजहर भाई ने फिर से चांस दे दी है जावेद भाई को नीचे के पेज के लिए, जावेद भाई बढ़ते हुए, और ऊपर के पेज के लिए समीर भाई लगता लाएंगे, अपनी पतंग को सही करा रहे हैं। देखिए गाड़ी के बोनट की तरफ आप देख सकते हैं, पीछे समीर भाई खड़े हैं और उनकी पतंग को सही करते हुए एक मेंबर, ये देखिए मैदान के अंदर काफ़ी एंड पे हैं, ये छुड़िया देने जा रहे हैं और चेक करते हुए डोर को, और ये छुड़िया दे दी। तो उम्मीद है समीर भाई अपनी ये पतंग लड़ाएंगे। चलते हैं पेज पर, देखते हैं कौन लड़ाएगा आपकी बार स्पीड काइट क्लब की तरफ से। ऊपर से नीचे से जावेद भाई और ऊपर से समीर भाई मुड्डा रखते हुए, दोनों का इस पतंग से होगा पहला पेज। काफ़ी रेंज पेज लड़ रहा है, अपनी पतंग को समीर भाई ताने हुए हैं, ऊपर ही ऊपर खींचते हुए बाहर की तरफ, अंदर की तरफ फिर से मुड्डा बनाया काफ़ी ज़्यादा, नीचे से बढ़ करके जावेद भाई जगह लेते आ रहे हैं बाहर की तरफ। जावेद भाई भी अपनी बड़ पतंग को खींचते हुए नीचे पेज आ गया है, फिर से जावेद भाई ने अंदर का मुड्डा बनाया, उसी को ताकत से खींचते जा रहे हैं। समीर भाई भी अपनी पतंग को ऊपर ही ऊपर खींचते हुए रेंज को दोनों लोग थोड़ा कम कराने की कोशिश कर रहे हैं, और जावेद भाई अपनी पतंग को बढ़ करके लड़ा रहे हैं ऊपर ही ऊपर। समीर भाई अपनी पतंग को खींचते चले आ रहे हैं, काफ़ी ऊपर रोके हुए हैं, अंदर का मुड्डा बनाया, धीरे धीरे उतरते हुए उसी मुड्डे पे जावेद भाई फिर से अपनी पतंग को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, फिर से अंदर का मुड्डा बनाया, एक रेंज बना के ही अपनी पतंग को लड़ा रहे हैं। पतंग को चलाते हुए करीब करके दोनों लोग, समीर भाई ने फिर से पतंग उठाया, जावेद भाई अपनी पतंग को चला रहे हैं और डोर निकालते हुए फिर से अंदर का मुड्डा ले रहे हैं, टेढ़ा कराने की कोशिश कर रहे हैं, और समीर भाई अपनी पतंग को एकदम सीधे सीधे बीचों बीच में उतारते चले जा रहे हैं अंदर के मुड्डे पे। देख सकते हैं ऊपर से अंदर की तरफ उतरते हुए समीर भाई, और नीचे से ज़्यादा से ज़्यादा जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं जावेद भाई, आकाश दिल्ली के मेंबर। निकलता हुआ मुड्डा फिर से बनाया करीब करके पतंग को चमकाते हुए दोनों प्लेयर, फिर से निकलता हुआ मुड्डा समीर ने बनाया बाहर की तरफ की बात, जावेद भाई ने भी खींचा क्रॉस प्लेटफॉर्म पर जा रही है पतंग, लेकिन कट गई। तो एक पेज हो गया है समीर का स्पीड काइट क्लब लखनऊ के लिए। तो अजहर भाई ऊपर से काट रहे थे, तो अजहर भाई को अब लगता है नीचे से बुला लिया गया, और अजहर भाई नीचे के पेज के लिए आगे बढ़ते हुए और ऊपर से लड़ाएंगे अब की बार समीर स्पीड लखनऊ के। पेज सही हो गया, नीचे से अजहर भाई ऊपर से समीर भाई, बीच में अपनी पतंग का मुड्डा उतारते हुए अजहर भाई नीचे ज़्यादा जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, 450 मीटर की रेंज, धीरे धीरे अपनी पतंग को अंदर के मुड्डे पर उतारते हुए समीर, काफ़ी ऊँचा करके मुड्डा दे रखा है अंदर पे, पट के मुड्डे पे खींचते हुए रोका, रोके ताकत से खड़ा मुड्डा खींचा, निकलता हुआ समीर भी मारा, दोनों लोग अपनी ताकत से खींचते हुए, और फिर से अब की बार ताकत लगा के समीर ने पेज काट के अपने दो पेज पूरे कर लिए स्पीड लखनऊ के लिए। तो अब की बार हिप्पी भाई आगे बढ़ते हुए नीचे के पेज के लिए, बढ़िया पतंगबाज, और देखने वाला पेज होगा हिप्पी भाई का समीर भाई से, और तीसरा पेज होगा समीर भाई का स्पीड लखनऊ के लिए। ये रही दोनों पतंगें, सही होते ही हम पेज आपको दिखाते हैं। तो नीचे से जगह लेते हुए हिप्पी भाई और ऊपर से समीर भाई अपना तीसरा पेज लड़ा रहे हैं स्पीड लखनऊ के लिए, सही की आवाज़ दी, और अब की बार जो पेज है थोड़ा सा कम रेंज में फिर रहा है, 350 मीटर की रेंज होगी, अंदर के मुड्डे पे जगह लेते हुए हिप्पी भाई थोड़ा सा बाहर की तरफ करा, फिर से अंदर के मुड्डे पे जगह लेते हुए धीरे धीरे पतंग को ऊँचा करते जा रहे हैं। समीर ने भी जो बीच में अपनी पतंग का मुड्डा उतारा, पतंग को चमका रहे हैं, हिप्पी भाई अंदर की तरफ जगह लिए हुए हैं ताकत से, अंदर के मुड्डे पे हिप्पी भाई पतंग को खींचते हुए, निकलता मुड्डा समीर भाई ने बनाया, हिप्पी भाई रुके रुक के फिर से अंदर के मुड्डे पे ताकत से खींचते हुए समीर भाई बाहर की तरफ खींच रहे हैं, और फिर से ये पेज सेम तरीके से काटते हुए तीन पेज अपने पूरे कर लिए हैं स्पीड लखनऊ के लिए। और अब की बार आकाश दिल्ली के लिए हमारे मिराज भाई बढ़ते हुए 14 पेज रोकने की कोशिश करेंगे समीर भाई को, और हमारे मिराज भाई के पास जो जड़ी बूटी है वो किसी के पास नहीं है, क्यों मिराज भाई, यह जो जड़ी बूटी हमारे पास वो किसी के पास नहीं, और पूरी उम्मीद है बहुत गजब का पेज होगा मिराज भाई का समीर भाई से। तो देखते हैं चौथा पेज, और चौथे पेज के लिए समीर भाई तैयारी लेते हुए, और नईम भाई इनकी चरखी दिखा रहे हैं, चलते हैं पेज पे, देखते हैं अब की बार कौन काटेगा, समीर भाई चौथा पेज पूरा करेंगे या फिर मिराज भाई रोकेंगे किसी तरीके से समीर भाई को चौथे पेज पे। धीरे धीरे अपनी पतंग का मुड्डा उतार रहे हैं, रेंज वही 350 के करीब, सही की आवाज़ दी, डोर निकालते जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पड़ाव बना रहे हैं अब की बार मिराज भाई, ये देख सकते हैं थोड़ा सा पड़ाव बना रहे हैं नीचे के पेज के लिए, लेकिन पतंग नीचे ही लगाए हुए हैं और अभी सही की आवाज़ नहीं दी है, जगह बनाते हुए अब जगह ले रहे हैं, चरखी भी रख दी अपनी, ताकत से जगह लेते जा रहे हैं, सही की आवाज़ दी, पेज सही हो गया है। समीर भाई थोड़ा सा अंदर के मुड्ढे पे पतंग को रखते हुए, और थोड़ी सी पतंग बढ़ है, बीचों बीच अपनी पतंग उतारा, मिराज भाई ने बाहर की तरफ खींचना शुरू कर दिया, निकलता हुआ समीर ने मारा, रोके हैं मिराज भाई, अंदर की तरफ खींचा, डबल होती पतंग समीर की जा रही है, अंदर की तरफ पतंग मिराज भाई की बारी, डबल हो रही, बढ़िया पेज ये मिराज भाई ने काट दिया, समीर को रोक लिया चौथे पेज पे। तो एक पेज हो गया है मिराज भाई का आकाश दिल्ली के लिए। नीचे के पेज के लिए बढ़ते हुए दारू भाई, एक पेज अभी इन्होंने काटा है मिराज भाई को, लेकिन पेज मिस हो गया, और ऊपर के पेज के लिए अजहर भाई बने हुए हैं, पतंग लंबे करके पहुंच गए, तो देखते हैं अब की बार कौन काटेगा। और नीचे से तारुफ अपना दूसरा पेज लड़ा रहे हैं स्पीड लखनऊ के लिए, ऊपर से अजहर भाई अपनी पतंग का मुड्डा रखते हुए, अब की बार अजहर भाई की पतंग कुछ बाहर की लग रही है ज़्यादा ही,
पेज पे देखते क्या होगा। नीचे से तारू भाई जगह लेते जा रहे हैं और ऊपर से अजहर भाई भी अपनी पतंग की रेंज को ऊपर ही ऊपर कम कराते हुए थोड़ा ताने ताने ऊपर देख सकते हैं। ये पतंग लगी है अजहर भाई की ऊपर ही ऊपर रेंज को कम करा रहे हैं और लेफ्ट की तरफ जो पतंग है नीचे से जगह लेती हुई वो है तारू भाई का। थोड़ा सा गर्दन की तरफ आ रहे हैं, इसमें भी बहुत दूरी है, बीच में ही मुद्दा उतर रहा है समझ लीजिए। धीरे धीरे पतंग लेकिन गर्दन की तरफ लेते हुए आ रहे हैं, फिर से वापस बीच की तरफ भागते हुए अजहर भाई। पतंग कुछ ज़्यादा ही बाहर की लग रही है, पेज पे देखते हैं क्या होगा। अंदर की तरफ तारू भाई जगह लेते आ रहे हैं, करीब करके रोका अजहर भाई ने मुड्डा बनाया, ताकत से गद्दा मारा, पतंग सीधी होकर अंदर की तरफ आई, रोका पट पे खींचने की जैसे ही मुड्डा बनाया और झटके मार दिया अजहर भाई ने और ये पेज काट दिया। तो एक पेज हो गया है अजहर भाई का आकाश दिल्ली के लिए। और पतंग तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है, तो उम्मीद नहीं है कि ये पतंग लड़ाई जाएगी। देखते हैं कौन मेंबर लड़ाएगा अब की बार दिल्ली स्पीड की ओर से, या फिर आगे बुलाएंगे। तो आगे बुला लिया क्योंकि पतंग देखने में लग रहा था कुछ ज़्यादा ही बाहर की है। तो स्पीड की ओर से आलोक भाई बढ़ रहे हैं नीचे के पेज के लिए। पेज सही हो गया, नीचे से आलोक भाई जगह लेते हुए ऊपर से अजहर भाई अपना दूसरा पे लड़ा रहे हैं। देखते हैं कैसे काटेंगे, बहुत ज़्यादा ही बाहर की पतंग है अजहर भाई की आकाश दिल्ली। भाई का मुड्ढा बनाया, खींच रहे हैं लेकिन धीरे धीरे अपनी पतंग को ऊँचा कर लिया। 300 मीटर पर 300 मीटर की रेंज पर पेज लड़ रहा है। दोबारा अपनी पतंग को धीरे धीरे उतारते हुए बाहर का मुंडा बनाया, निकलता मुंडा अजहर भाई ने बनाया, करीब करा फिर से उठा लिया। आलोक भाई अंदर के मुंडे पे ताकत से खींचते जा रहे हैं, बाहर की तरफ पतंग जा रही, करीब करके रोका, रोक के फिर से बाहर की तरफ खींचा, कंठी मार के रख लिया, चुस्की हो पे पेज दौड़ निकालते जा रहे हैं। अब की बार देखते हैं कौन काटेगा, चुस्की वाला पेज हो गया है दोनों के बीच में, अंदर के मुंडे पे झड़कते जा रहे हैं, थपकियों पे पेज है, कोई काट काट नहीं हो रही, शायद दौड़ आई नहीं, कंठी मार के रखने की अच्छी कोशिश थी। दोबारा से जगह लेते हुए एक पतंग बीच में आ रही है दिल्ली की, जगह नहीं ले पा रहे हैं आलोक भाई। अभी चढ़ा के मुंडा दिया, बाहर का मुंडा बनाया, उसको ताकत से कितने आ रहे हैं, अंदर की दवा भाई ने अपनी पतंग को करा, रेंज 300 से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, हवा काफ़ी तेज़ है। अंदर के मुंडे पे बीचों बीच में अपनी पतंग को अपनी बार उतारते हुए अजहर भाई सल्लग अंदर के मुंडे उतारते जा रहे हैं। आलोक भाई अपनी पतंग को चमकाते हुए निकलता मुंडा अजहर भाई ने बना, बाहर की तरफ खींचा आलोक भाई ने भी ताकत से और की बार ये पेज काट के अपना एक पेज पूरा कर लिया स्पीड लखनऊ के लिए। तो आकाश क्लब की ओर से सलमान भाई 2:30 बजे अपने आज के दिन का पहला पेज लड़ा रहे हैं ऊपर से, और नीचे से आलोक भाई लड़ाएंगे दूसरा पेज। तो चलते हैं पेज पे, आलोक भाई नीचे से जगह लेने लग गए हैं, ऊपर से अपनी पतंग को उतारते हुए सलमान भाई आकाश दिल्ली के मेंबर जगह लेते जा रहे हैं दोनों पतंगें बराबर। थोड़ी थोड़ी सलमान भाई अपनी पतंग को बढ़ करते हुए और नीचे से आलोक भाई जगह लेने लग गए हैं, पेज अभी सही नहीं हुआ है। सलमान भाई अपनी पतंग को लगातार बढ़ करते जा रहे हैं, थोड़ी सी पतंग सलमान भाई की बढ़ है और अंदर के मुड्ढे पर उतरते हुए सही की आवाज़ दी, पेज सही हो गया है। लेकिन सलमान भाई अपनी पतंग को ताने हुए हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, अंदर के मुड्ढे पे पतंग को बनाया, फिर से रोके हैं और अपनी पतंग को ऊपर ही ऊपर ताने हैं और लोग नीचे नीचे जगह लेते जा रहे हैं, काफ़ी ऊँचा करके मुड्ढा दे रहे हैं। थोड़ा गर्दन के पास अपनी पतंग को बनाया सलमान, अंदर के मुड्ढे पर फिर से दिखाया, बीचों बीच में अपनी पतंग को लेके आए, लेकिन आलोक भाई टेढ़ा कराने की कोशिश में ऊपर करते जा रहे हैं, काफ़ी बड़ पतंग को काटने की कोशिश। अंदर के मुड्ढे पे सलमान ने पतंग को उतारा, आलोक भाई टेढ़ा करा के ऊंचा करके मुड्ढा दिए, निकलता हुआ सलमान ने मुड्ढा बनाया, उसी को ताकत से भलिया मारते आ रहे, पतंग सीधी हुई सलमान की, भागता मुड्ढा बनाया, खींचा जैसे ही कट गया आलोक भाई। तो देख सकते हैं पूरी पतंग अंदर की तरफ आ गई और एक पेज पूरा कर लिया सलमान ने आकाश दिल्ली के लिए। तो नीचे से आ गए हैं सलमान भाई आकाश दिल्ली के लिए अपना दूसरा पेज लड़ाएंगे और स्पीड की ओर से ऊपर से फिर से आ गए समीर भाई चरखी दिखाते हुए नईम भाई। चलते हैं पेश पे, देखते हैं अब की बार कौन काटेगा। फिर से काफ़ी रेंज हो गई है, करीब 500 मीटर की रेंज बड़े आराम से, और दोनों एक तो करीब करे हुए हैं, ये देखिए सही होने से पहले लग रहा है जैसे पेज फंसा लिया दोनों ने एक दूसरे को, चुस्कियाँ चल रही, और ये देखिए सलमान भाई ने चुस्की मारते मारते पेज काट दिया, पेज सही भी नहीं हुआ था। सलमान भाई से पूछते हैं, सलमान भाई ये पेज सही हुआ था या फंस गया? सही नहीं हुआ था, तो पतंग लंबे गए करीब करीब और पेज फंस गया, ध्यान लगा एकदम पतंग आ गई थी, बढ़िया पेज ही लेकिन फंसे फंसे में काट दिया, लेकिन पेज सही नहीं हुआ था और समीर भाई की पतंग कट गई। अब देखते हैं कौन लड़ाएगा, बिना देखे ही आला पेज हो गया था। तो तारू भाई लग रहा पतंग है तारू भाई की और ताबिश भाई की पतंग भी है, तो ताबिश भाई अगर लड़ाएंगे अगला पेज। और टीम के मेंबर भी देखिए पूछ रहे हैं क्या पेज हो गया, जावेद भाई भी पूछ रहे हैं, तो पेज नहीं हुआ है। तो तारू भाई लड़ाएंगे ऊपर का पेज, ताबिश भाई रुक गए हैं और नीचे से सलमान भाई अपना दूसरा पेज लड़ाएंगे। वैसे तो दो पेज हो गए, एक तो बिना देखे जो आपने देखा इससे पहले फंस गया था और अब की बार सही से होगा पेज, काफ़ी दूरी बनाए हुए हैं इसलिए दोनों एक दूसरे से, ऐसा ना हो फिर से पतंगें फंस जाए। तो नीचे से जगह लेते हुए 500 मीटर की रेंज, ऊपर से तारू भाई अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए और तारू भाई अपनी पतंग को बढ़ करते चले जा रहे हैं,
धीरे धीरे अपनी पतंग को करीब ला रहे हैं और काफ़ी बढ़ करके तारू भाई मुंडा फेरते हुए ऊपर से, और नीचे से सलमान भाई भी तारू भाई की पतंग को देखते हुए रेंज निकालते जा रहे हैं। पेज अभी सही नहीं हुआ है, रेंज बढ़ रही है, आगे जो पतंग काटी थी देखिए वो भी फंसी है, ऐसा ना हो सलमान भाई की पतंग उससे कट जाए। नीचे से जगह ले रहे हैं, ऊपर से तारूफ काफ़ी बढ़ करके अपनी पतंग को उतारते हुए बाहर की तरफ। सलमान भाई ने अपनी पतंग को निकाला, दोबारा से जगह ले रहे हैं, पेज अभी सही नहीं हुआ है, काफ़ी रेंज में पेज। तारू भाई अपनी पतंग को ऊपर ही ऊपर खींचते हुए काफ़ी ज़्यादा अंदर के मुंडे में पतंग को ऊँचा करा सलमान भाई ने। आकाश डेली के मेम्बर बीच में अपनी पतंग को लेके आ रहे हैं, तारूफ सही की आवाज़ दी, काफ़ी दूरी से ही पेज अब की बार सही हो गया है। देखते हैं इसी रेंज में लड़ेगा या रेंज को कम कराया जाएगा। नीचे से सलमान भाई जगह लेते हुए और तारू भाई भी ऊपर ही ऊपर अपनी पतंग को खींचते हुए, ये देखिए अब धीरे धीरे पट पे लेके आ रहे हैं। सलमान भाई नीचे से जगह लिए हुए हैं और निकलता हूँ मुड्डा, तारू भाई धीरे धीरे बना रहे हो पतंग को नीचे करते जा रहे हैं, ज़्यादा पेज ऊँचा नहीं है, थोड़ा सा नीचे और करेंगे तो आपको फैक्ट्री और चिमनी दिख जाएगी, देख सकते हैं काफ़ी नीचे पेज आ गया है। करीब कर रहे हैं धीरे धीरे अपनी पतंग को तारू भाई, सलमान भाई अपनी पतंग को एक ही जगह बनाए हैं और ज़्यादा नीचे करा के खाली करा रहे हैं। तारू भाई रुके और अपनी पतंग को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, रेंज को और ज़्यादा कम कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकत से खींचते हुए। और सलमान भाई की पतंग अच्छी खासी बढ़ है तारूफ की पतंग से, बीच में अपनी पतंग को फिर से उतारते हुए रोका, फिर से अपनी पतंग को तान लिया, कोई जल्दबाजी नहीं, पतंग की रेंज को कम करते जा रहे हैं तारूफ। सलमान भाई की पतंग अच्छी खासी बढ़ है अंदर के मुड्ढे पे पतंग को उतारते, वो दो मिनट इस पेज को हो गया है, लेकिन दोनों की लेकिन काफ़ी दूरी है एक दूसरे की पतंग से। बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए रेंज को अभी भी तारूफ लगातार कम करते जा रहे हैं। सलमान भाई अपनी पतंग को बचाने के लिए बाहर की तरफ खींचते हुए फिर से जगह ली काफ़ी बड़ पतंग से, बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए चमका रहे हैं अंदर के मुड्ढे पर। सलमान भाई ने पतंग को दिखाया, निकलता हूँ मुड्ढा बना रहे, करीब कर रहे हैं बाहर की तरफ मुड्ढा बनाया सलमान भाई ने, उसी को ताकत से भरते हुए रोके हुए तारूफ अंदर के मुड्ढे पर खींच रहे हैं, रोके हैं, काफ़ी कम पतंग है तारूफ की लेकिन पेज अभी नहीं फिर रहा, 400 मीटर की रेंज रह गई होगी और आगे दो पतंगे और देख सकते हैं। वो मुरादाबाद लड़ रहा है नवाब क्लब लखनऊ से, उसकी पतंगे हैं जिसकी वजह से सलमान भाई ज़्यादा जगह नहीं ले पा रहे हैं, नवाब क्लब के मेंबर जगह ले रहे हैं, राइट हैंड पे खड़े हैं, वो पतंग भी आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा, ऐसा ना हो सलमान भाई की पतंग नवाब क्लब के मेंबर की पतंग से कट जाए। दोबारा से जगह ले रहे हैं और डोर छोड़ते हुए नवाब क्लब के मेंबर और बाहर की तरफ अपनी पतंग को ले जा रहे हैं, लेकिन तारू भाई ऊपर ही ऊपर अपनी पतंग को बनाएं और आप पतंग की रेंज को फिर से बढ़ाते हुए तारू भाई, 3 मिनट हो गया इस पेज को लेकिन पेज अभी नहीं हो पाया है। बीचों बीच में अपनी पतंग को बनाया है, निकलता हूँ मुड्ढा बनाया, बाहर की तरफ सलमान भाई ने दिखाया, करीब करा अंदर की तरफ फिर से तारू भाई ने खींचा, बाहर की तरफ सलमान भाई खींचे, रुके रुके फिर से निकलता हुआ तारू भाई ने अंदर की तरफ खींचा सलमान भाई ने, दोनों लोग ताकत से खींचते हुए तेज झटके मार दिए सलमान भाई ने, बढ़िया पेज ये काट दिया और दो पेज अपने पूरे कर लिए आकाश डेली के लिए। तीसरा पेज रोकने के लिए आए सलमान भाई को ताबिश भाई कैप्टन स्पीड क्लब के, सही की आवाज़ दी पे सही, जल्दी से चलते हैं पेज पे। नीचे से जगह लेते हुए सलमान भाई, ऊपर से ताबिश भाई अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए, थोड़ी सी पतंग बढ़ है, बीचों बीच में अपनी पतंग को उतारते जा रहे हैं सलमान भाई, अंदर की तरफ जगह लिए हैं, थोड़ा सा पट पे करके खाली कराया और ताबिश भाई बड़ पतंग से अंदर की तरफ चलते हुए निकलता हुआ मुड्ढा बना रहे हैं काफ़ी दूर से। नीचे पेज हो रहा है ये वाला भी, ज़्यादा ऊँचाई नहीं है, सलमान भाई ने बाहर का मुड्ढा बनाया, उसी को ताकत से खींचते हुए रुक गए ताबिश भाई, अपनी पतंग को थोड़ा सा कम कर रहे हैं और नीचे से जगह लेने की पूरी कोशिश और ज़्यादा टेढ़ा कराने की कोशिश कर रहे हैं। हवा एकदम सीधी चल रही है इस टाइम, अंदर के मुड्ढे पर पतंग उतारा, अंदर के मुड्ढे पर खींचा सलमान भाई ने भी, रुक के बाहर की तरफ ताकत से खींचना शुरू कर दिया, उसे खींचने निकलता हूँ मुड्ढा, ताबिश ने भी मारा पट पे जा रही है सलमान भाई की पतंग, दोनों लोग ताकत से खींचते हुए कोई काट काट नहीं हो रहा और ये पूरी पट पे जाने के बाद ताबिश भाई ने ये पेज सलमान भाई को काट दिया और रोक लिया तीसरे पेज पर, तो एक पेज हो गया है ताबिश भाई का स्पीड लखनऊ के लिए। तो ताबिश भाई ने पेज काटा और बुला लिया है डेली के मेंबर को नीचे से, और नीचे के पेज के लिए बढ़ते हुए मिराज भाई नीचे से जगह लेते हुए, मिराज भाई ऊपर से ताबिश भाई एक मुड्ढा बना ले, उसी को ताकत से मारते आ रहे हैं, सही होते ही भारत मिराज भाई भी पूरा खींच के गए, भारत झटकते हुए दोनों लोग अपनी थपकियों पे पेज आया और अब की बार बाहर की तरफ थपकते हुए मिराज भाई ने ये पेज ताबिश भाई को काट दिया और रोक लिया दूसरे पेज पे। तो एक पेज हो गया है आकाश डेली के लिए मिराज भाई का, पेज सही, ऊपर से रोकने के लिए हिप्पी भाई आए, तीसरा पेज समीर भाई को, दो पेज समीर भाई काट चुके हैं, नीचे से जगह लेते हुए समीर भाई, ऊपर से अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए हिप्पी भाई, थोड़ा सा ऊपर ही ऊपर रेंज को कम कराते हुए हिप्पी भाई, ये हिप्पी भाई की पतंग दिख रही है आपको, और नीचे से टेढ़ा कराने की कोशिश कर रहे हैं समीर भाई, अपनी पतंग को ऊपर ही ऊपर चलाते हुए हिप्पी भाई थोड़ा सा रेंज को कम करा रहे हैं और अंदर की तरफ मुड्ढा उतारते जा रहे हैं। 400 मीटर की रेंज होगी, समीर भाई
काफी ऊंचा करके अंदर की तरफ जगह लिया है, बाहर का मुंडा बनाया उसको खींचते हुए। हिप्पी भाई भी रुके, रुक के निकलता मुंडा बनाया ताका से खींचते हुए, बाहर की तरफ समीर ने भी खींचा, दोनों लोग ताका से खींचते हुए और समीर ने फिर से ये पेज काट के अपने 3 पेज पूरे कर लिए स्पीड लखनऊ के लिए। पेज सही हो गया, नीचे से जगह लेते जा रहे हैं समीर स्पीड के लिए 4th पेज और ऊपर से अपनी पतंग को थोड़ा सा बाहर की तरफ ऊपर ही ऊपर खींचते हुए जावेद भाई आकाश दिल्ली के मेंबर वापस से अंदर का मुंडा बनाया, थोड़ा सा कम कराने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं ऊपर ही ऊपर मुड्डा बना के खींचते चले आ रहे हैं लगातार, कोई जल्दबाजी नहीं, रेंज को कम करा रहे हैं, करीब 450 से 500 मीटर की रेंज होगी, धीरे धीरे कम कराते चले आ रहे हैं और अंदर के मुड्डे पे आप पतंग को उतारते हुए, लेकिन अभी भी ऊपर ही ऊपर काफ़ी ज़्यादा ताकत से पतंग को खींचते हुए समीर भाई अपनी पतंग को लगाए और बाहर के मुड्डे पे पतंग को धीरे धीरे कम कर रहे हैं, अंदर के मुड्डे पे जावेद भाई अपनी पतंग को उतारते आ रहे हैं, निकलता मुड्डा काफ़ी दूर से बनाया, समीर भी बाहर की तरफ खींच रहे हैं, करीब करके रोका जावेद भाई ने, रोक के फिर से बाहर का मुड्डा बनाया उसी को ताकत से मार रहे, पतंग सीधी हो रही, बाहर की तरफ समीर ने भी खींचा ताकत से और अब की बार समीर भाई ये पेज कट गए, तो बढ़िया पेज ये जावेद भाई ने काट दिया और रोक लिया 4th पेज पर समीर को और 1 पेज पूरा कर लिया आकाश दिल्ली के लिए अपना। नीचे से जावेद भाई अपना 2रा पेज ला रहे हैं, ऊपर से आलोक आ गए हैं स्पीड क्लब के मेंबर, थोड़ा सा रेंज में पतंग लड़ रही है, पेज अभी सही नहीं हुआ, नीचे से जगह लेते जा रहे हैं, बीचों बीच में आलोक अपनी पतंग को बनाए हुए हैं, बीच में अपनी पतंग को लेकर जा रहे हैं, थोड़ा सा ऊंचा करके मुंडा दिया जावेद भाई ने, निकलते हुए पतंग बनाई आलोक भाई ने, निकलते हुए मुंडे पर धीरे धीरे लेके चल रहे हैं जावेद भाई, काफ़ी नीचे नीचे जगह लेते हुए बाहर की तरफ फिर से मुंडा बनाया आलोक भाई, अंदर की तरफ जगह लेते हुए बीच में अपनी पतंग उठा रहे हो, काफ़ी नीचे पेज आ गया है, देख सकते हैं फैक्ट्री और सब चिमनी जो है आपको दिख रही है, बाहर की तरफ अपनी पतंग को निकालते हुए जावेद भाई अंदर का मुंडा फिर से बनाया, निकलते हुए मुंडे पे फिर से उतर रहे हैं आलोक भाई, रोका रोक के फिर से निकलता हुआ मुंडा बनाया, करीब करके फिर से रोका रोक के फिर से निकलता हुआ मुंडा बनाया, जावेद भाई रोक के अंदर की तरफ जैसे ही पलटा है बस एक मुंडा पलटने पर ही आलोक भाई की पतंग कट गई, तो 2 पेज हो गए हैं जावेद भाई के आकाश दिल्ली के लिए। पेज सही हो गया, ऊपर से समीर भाई हैं रोकने के लिए जावेद भाई को, 3रे पेज पे सीधी पतंग उतारते जा रहे हैं, जावेद भाई ने अंदर की तरफ जगह ली, बाहर का मुंडा बनाया, थोड़ी सी रेंज में पतंगें लड़ रही हैं, 500 मीटर की रेंज होगी, नीचे से जगह लेते जा रहे हैं जावेद भाई 3रे पेज के लिए, पेज सही चल रहा है और ऊपर से बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए समीर भाई और ज़्यादा ऊँचाई नहीं है पेज पर, ये देखते थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये देखिए चिमनियाँ दिखने लग जा रही हैं, तो जावेद भाई जगह लेते हुए बीच में समीर भाई अपनी पतंग उतार रहे हैं, बाहर का मुड्डा बनाया जावेद भाई ने, पतंग को चमकाया, समीर ने करीब करके रोका, रोक के निकलता हुआ मुड्डा बनाया, जावेद भाई रुके, रुक के क्रॉस पट पे खींचा, पतंग पूरी फट गई जावेद भाई के, निकलता हुआ मार रहे हैं समीर और समीर ही ये पेच कट गए, टिकट मिल जाएगा जावेद भाई को, पतंग फटी है तो फटी पतंग से अगर पेच काटेंगे तो वो पेच जिसने काटा है उसी को मिलेगा, तो 3 पेच तो पूरे करे जावेद भाई ने लेकिन अब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे इस पतंग से, तो देखते हैं कौन आगे बढ़ेगा जल्दी जल्दी इस मौके को ग्रैब करने के लिए और बढ़ रहे हैं हमारे सलमान भाई नीचे से चांस लेने के लिए और लड़ाएंगे अपना पहला पेज, तो बढ़िया टीमें लड़ रही हैं तो स्पेक्टेटर भी ज़्यादा हैं देख सकते हैं नादरगंज ग्राउंड में और अभी शाम के समय उम्मीद है कि और ज़्यादा हो जाएंगे और स्पीड क्लब की ओर भी काफ़ी लोग बैठे हैं दूर तक काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और नवाब क्लब भी लड़ रहा है मुरादाबाद क्लब से और मुरादाबाद के क्लब का नेम जो था भूल गए हैं और बढ़िया गेम लड़ रहा है पहले दिन का गेम जीता है मुरादाबाद काइट क्लब ने स्पीड क्लब से तो चलते हैं हम लोग कैप्टन आकाश काइट क्लब के पास और नासिर भाई से पूछते हैं उनके क्लब का नाम आ गए हैं कैप्टन नासिर भाई के पास और पूछते हैं उनके क्लब का नेम क्या है नेम भूल जा रहा है नासिर भाई आपके क्लब का नाम क्या ऊपर आसमान नहीं टिकट पे क्या लिखा हुआ है आवाज चलो कौन सा क्लब आवाज चलो ये बता नहीं रहे सही से हमें मिराज भाई कैसे पता चलेगा कौन सा क्लब का नाम है आताश क्लब हाँ आताश नहीं है अरे अजहर भाई ये आताश क्लब बता रहा है आकाश क्लब है आसमान में देखो आकाश है नहीं आसमान में आकाश है अरे हिप्पी भाई पतंग को तैयार कर ली कौन सी पतंग तैयार कर ली हिप्पी भाई नाजिम भाई की पतंग तो बढ़िया गेम लड़ रहा है 3rd डे का गेम है आज आकाश दिल्ली का स्पीड से और 3 बजे तक हम आपको अपडेट देंगे फिर 4:30 बजे अपडेट देंगे किसके पास कितने टिकट हैं तो 3 बज रहा है मिराज भाई टिकट की क्या अपडेट है किसके पास कितने टिकट है 5 पर्चे हैं तो दिल्ली आकाश का गेम अच्छा लड़ रहा है ताबड़तोड़ पेज हो रहे हैं बढ़िया हवा बढ़िया मौसम और 5 पर्चे अभी भी दबा रखे हैं आकाश काइट क्लब दिल्ली ने स्पीड लखनऊ के अजहर भाई क्या कहना बढ़िया लड़ रहा है बढ़िया लड़ रहा है लेकिन लेकिन नासिर भाई क्लब का नाम नहीं बता रहे सही से आकाश अमर नासिर भाई एक बार फिर से बता दीजिए हम भूल गए नहीं बताएं मेरे से पूछो था आकाश तो लो अरे कैप्टन तो
अच्छा नासिर भाई अपने फोन नंबर बता दीजिए या फिर सलमान भाई देंगे आज नंबर कॉन्टेक्ट करने के लिए गेम के लिए। अच्छा जावेद भाई हमारे बता रहे हैं, जावेद बताइए जी। 9 6 3 6 6 3 7 तो ये नंबर है जावेद भाई का और कॉन्टेक्ट करके आप आकाश दिल्ली से गेम कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। सलमान भाई नीचे से जगह लेते हुए सलमान भाई और ऊपर से दारू भाई, दोनों का इस पतंग से पहला पेज होगा। जावेद भाई ने पेज काटे थे, पतंग फट गई थी। बाहर की तरफ सलमान भाई खींचते हुए रेंज में पेज हो रहा निकलता हुआ तारू भाई ने बनाया, दोनों लोग खींचते हुए रोका, गरीब करके रोक के फिर से निकलता मुंडा बनाया, फिर से रुक गए तारूफ, डोर निकालते जा रहे अंदर तब तेज झटके मार रहे सलमान, बाहर की तरफ अपनी बात तारूफ ने मुंडा भरा और ताकत से खींचते हुए लेकिन कट गए तारू भाई। लगातार थपकियों पर पेज लड़ाया सलमान भाई ने और ये पेज काट के अपना एक पेज पूरा कर लिया आकाश दिल्ली के लिए। तो ऊपर से आ गए आलोक भाई, नीचे से जगह लेते हुए सलमान भाई अपने दूसरे पेज के लिए आकाश दिल्ली निकलता हूँ मुड्डा। आलोक भाई ने काफ़ी दूर से बनाया, उसको धीरे धीरे लेके चल रहे हैं, थोड़ी सी पतंग बढ़ ताकत से खींचा ऊपर और रोका, रोक के बाहर का मुड्डा बनाया और जैसे ही अब की बार से बाहर का मुड्डा बनाया था और आलोक भाई की पतंग कट गई। तो दो पेज पूरे कर लिए हैं सलमान भाई ने आकाश दिल्ली के लिए। तो तीसरा पेज रोकने के लिए आ गए हैं समीर भाई, हाथ में मिट्टी लगाते हुए थोड़ी सी डोल निकालते हुए स्पीड गाइड क्लब के एक बढ़िया खिलाड़ी और ऑल इंडिया विनर भी हैं। इधर हमारे सलमान भाई बढ़िया पतंग लड़ा रहे हैं आकाश दिल्ली के लिए और तीसरा पेज है इनका, पेज सही हो गया। पेज सही, ऊपर से अपनी पतंग को उतारते हुए समीर भाई और नीचे से जगह ले रहे हैं सलमान भाई, बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए आगे जो पतंग कटी थी वो भी है, ऐसा ना हो समीर भाई की पतंग कट जाए। बाहर का मुंडा बना रहे हैं, रुक गए समीर भाई, ज़्यादा खींचा नहीं और नीचे से जगह लेते चले आ रहे हैं सलमान भाई अपने तीसरे पेज के लिए आकाश दिल्ली के लिए। समीर भाई थोड़ा सा गर्दन की तरफ ऊपर ऊपर बढ़ते हुए ताकत से जगह लेते आ रहे हैं, बाहर की तरफ सलमान भाई ने अपनी पतंग को खींचा, रुक गए, फिर से जगह लेने लग गए हैं सलमान भाई, बीचों बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए समीर भाई थोड़ी सी रेंज को कम करके मुड्ढा बना रहे हैं, अंदर के मुड्ढे पर पतंग को उतारते हुए सलमान भाई नीचे नीचे जगह लेते हुए टेढ़ा करा के अपनी पतंग को रोके हुए हैं, कोनी बनाए हुए हैं। समीर ने बीचों बीच में सीधी पतंग उतारी, सीधा मुड्ढा उतारते जा रहे हैं, करीब करके रोका, रोक के पतंग को चमकाया, चमका के भाग तब खींचा सलमान भाई ने बाहर का मुड्ढा बनाया, उसी को ताकत से खींचते जा रहे हैं और तीसरा पेज भी काट के अपना पूरा कर लिया है ताकत से सलमान भाई ने आकाश दिल्ली के लिए। 500 मीटर की रेंज, नीचे से जगह लेते हुए अपने चौथे पेज के लिए सलमान आकाश दिल्ली के लिए और ऊपर से अपनी पतंग का मुड्ढा उतारते हुए सही होने के बाद ताबिश कैप्टन स्पीड लखनऊ के, बीचों बीच में अपनी पतंग उतारते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोनी करा के जगह लेते हुए और सीधा मुड्ढा सही होने के बाद उतारते चले जा रहे हैं, लगातार थोड़ा पट पे करके सलमान भाई ने खाली कराया, जगह लेते चले, रुक नहीं रहे, अंदर का मुड्ढा सलमान भाई ने बना लिया और ज़्यादा से ज़्यादा जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, टेढ़ा करा रहे हैं, लेकिन वो अपनी पतंग को सीधा सीधे मुड्ढे पे उतारते हुए ताबिश भाई स्पीड के कैप्टन निकलता मुड्ढा काफ़ी दूर से बनाया, उसी को ताकत से बलिया, भारत सलमान भी खींच रहे हैं ताकत से खींचते हुए, आला पेज हो रहा है, दोनों लोग अपनी ताकत से खींचते जा रहे हैं खड़ी पतंग सलमान भाई की और काफ़ी देर के बाद सलमान भाई ने खड़ी पतंग से खींचते हुए निकलती हुई पतंग ताबिश भाई की काट के अपने चार पेज पूरे कर लिए आकाश दिल्ली के लिए। तो ये मेंबर हैं स्पीड काइट क्लब से लड़ा रहे हैं, देखिए पतंग को लंबे करते हुए और इधर हमारे नईम भाई हैं, छोटू भाई हैं, हेलो भाई, आमिश भाई, तारू भाई पतंग को तैयार करते हुए, ये रहे हमारे समीर भाई। लालू भाई क्या कहना, पर्चे गए हुए हैं, अरे आएंगे, अच्छी टीम है, टक्कर का गेम हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। और इधर हमारे स्पीड के फाइनेंसर्स नईम भाई, बहुत परेशान है ये, 1 लाख चाहिए, 1 लाख चाहिए, इतने पर्चे नहीं मिलेंगे भैया, 1 लाख चाहिए, 1 लाख चाहिए। तो बढ़िया गेम लड़ रहा है सारे स्पीड के मेंबर पतंग को अपनी तैयार करते हुए और चलते हैं पांचवें पेज पे सलमान भाई के बताते हुए, थोड़ा रेंज को पेज फेरने के लिए कह रहे हैं हमारे आलोक भाई, चलते हैं पेज पे, देखते हैं अब की बार कौन काटेगा। तो सलमान भाई आकाश दिल्ली के लिए पांचवा पेज, नीचे से जगह लेते हुए ऊपर से आ गए हैं आलोक भाई स्पीड के मेंबर, थोड़ा सा गर्दन की तरफ अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए ताकत से जगह लेते जा रहे हैं सलमान भाई, पांचवा पेज बाहर का मुड्ढा बनाया, उसको ताकत से खींचते हुए बाहर का मुड्ढे पे सलमान, बाहर के मुड्ढे पे आलोक भाई भी ताकत से खींचते हुए, आलोक भाई की पतंग धीरे धीरे सीधी हो रही है, सलमान भाई बाहर की तरफ खींचते जा रहे हैं, लगातार काफ़ी नीचे पतंग आ रही है और आलोक भाई ने ये पेज काट दिया और रोक लिया पाँचवें पेज पे सलमान भाई को और देखते हैं खुद लड़ाएंगे या किसी और को चांस देंगे स्पीड काइट क्लब के लिए। तो लगता है खुद ही लड़ाएंगे और कोई मेंबर नहीं बढ़ रहा है, तो देखते हैं ऊपर से कौन लड़ाएगा, सभी के हाथ में पतंग है आकाश दिल्ली की ओर। तो मिराज भाई देखिए खड़े हो रहे हैं, लगता है मिराज भाई अब लड़ाएंगे ऊपर से अपना अगला पेज।
और ये रहे हमारे सलीम भाई, इनको आपने देखा होगा जो गेम लड़ा भूरे भाई का, तारिक भाई का, जो कि तारिक उस घोड़ा के नाम से काफ़ी मशहूर हैं। और गेम जो है इनका लड़ रहा है, ये सारे टीम के मेंबर हैं। कौन कौन मेंबर आपके साथ आए सलीम भाई? ये हमारे साथ एक सरताज भाई हैं जी, एक शाबिश भाई हैं जी, एक रहमत हैं, अमर हैं और एक अदनान है, और एक लड़का। छः सात लोग आए और गेम लड़ रहा है नवाब काइट क्लब से। 3:30 बजे का टाइम है। तो टिकट की अपडेट क्या चल रही है सलीम भाई आपकी? हमारे पास 6 टिकट। 6 टिकट हैं तो परदेसी टीम एक और मुरादाबाद की, और नाम रखे हैं 6 टिकट लखनऊ के नवाब काइट क्लब को। बढ़िया गेम लड़ रहा है, इससे पहले भी एक दिन का गेम लड़ा था जो कि जीत गए थे 13 टिकट से स्पीड से। तो सलीम भाई काफ़ी बढ़िया प्लेयर भी हैं। तो बाकी लोग कहाँ, आपके साथ वाले तारिक भाई कहाँ चले गए, भूरे भाई कहाँ गए, सब कहाँ गए? ऐसा है ईशान भाई, अभी जी हमारी सिस्टर की शादी है। अच्छा जी जी, यहाँ जरा 2-3 लोग उसके कार्ड भी देने थे और मैंने कहा शौक भी कर लेंगे। अब तारिक भाई का हमारा 5 तारीख का पक्का प्रोग्राम बना हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट मंथ का, दिसंबर का? अच्छा दिसंबर। और ये क्या कहते हैं कि आपके कितने दिन का गेम है आपकी बार? बस आज चलाएंगे हम। अच्छा, 2 दिन का गेम था, 2 दिन का गेम। 5 तारीख की जो हमारी टिकट है वो पूरे हफ्ते के। अच्छा, पूरे हफ्ते का गेम है। ओफ, बड़ा लंबा टूर होगा फिर तो। और इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कवर करने की भी, कोशिश करेंगे पूरे टूर को। कवर नहीं, आपको 5-6 दिन हमारी मूवी। चलिए, अच्छा कोशिश करेंगे बिल्कुल, क्योंकि जब परदेसी होती है तो ज्यादा ज्यादा कोशिश करते हैं। उस्ताद से बदला लेना, ये देखिए आलोक भाई को कहा जा रहा है उस्ताद से बदला लेना। आलोक भाई से 2 पेज काट चुके हैं, 3रा पेज लड़ाएंगे। और बढ़िया गेम लड़ रहा है इधर आकाश दिल्ली का, स्पीड काइट क्लब लखनऊ से भी काफ़ी टक्कर हो रही है। और इधर आप लोगों का गेम कैसा चला, टक्कर वाला बिना टक्कर वाला? बहुत खतरनाक है। उधर भी हमारे फैजान उस्ताद हैं, सब अच्छे अच्छे प्लेयर, तो बढ़िया गेम लड़ रहा है। देखिए ये इनके सारे प्लेयर हैं और कुछ प्लेयर नीचे का प्लेयर लड़ा के वापस आते हुए। तो चलते हैं वापस अपने गेम पे, आकाश दिल्ली और स्पीड लखनऊ के बीच। और देखिए बबलू भाई भी आ गए, हमारे वजीर भाई भी आ गए। लेकिन बबलू भाई इनसे ये तो पूछे कौन सा क्लब लड़ा रहा है, ये बता नहीं रहे, नाम नहीं बता रहे क्लब का अपने। आवाज तलब बताना, आकाश पहले गिन्नी भाई था, वो उसका था, शानू का, शानू भाई का। अच्छा, और ये सारे मेंबर। तो बबलू भाई आज बहुत दूर नादरगंज, बहुत दिन बाद दिखे हैं। भाई मोहब्बत दी तो मतलब पुराना गेम लड़ा है नासिर भाई से? पुराना कोई गेम बताइए, कुछ किस्सा हिस्सा लड़ा हो। नासिर भाई बताएंगे, नासिर भाई मैदान में बताएंगे, तो मैदान है। तो हंसी मजाक चल रहा है, सभी स्पेक्टेटर। ये रहा है वजीर भाई, वजीर भाई क्या कहना, सब बढ़िया चल रहा है। ये रहा है उमर भाई, हिम गोल्ड के मेंबर। कहाँ भैया शम्मू भाई, कहाँ है पता नहीं। बढ़िया गेम लड़ रहा है और बढ़िया शौक हो रहा है। ये सारे मेंबर हैं, स्पेक्टेटर हैं। और ये रहे हमारे मिराज भाई, जड़ी बूटी खा खा के पतंग को ला रहे हैं। तो डोज ली मिराज भाई? अभी नहीं ली, अभी नहीं ली, 15 गोलियां। देखिए क्या बता रहे हैं, 15 और खाएंगे। ताकत की गोलियां। तो बढ़िया गेम लड़ रहा है। और ये देखिए स्पीड के मेंबर ताकत से खींचते हुए, और शायद काट दिया लग रहा है। और हिप्पी भाई लड़ा रहे थे तो काटा है, देखते हैं कौन लड़ाएगा स्पीड की ओर से अगला पेज। और गजब का गेम लड़ रहा है आकाश दिल्ली और स्पीड लखनऊ के बीच में। तो विशाल भाई ने एक पेज काटा ऊपर से और चांस दे दी है समीर भाई को, स्पीड काइट क्लब के मेंबर, नीचे से लड़ाते हुए अपना पहला पेज। और ऊपर से फिर से अजहर भाई भी अपनी टीम के लिए लगातार काट रहे हैं ऊपर से और चांस देते जा रहे हैं आकाश दिल्ली के बाकी मेंबर्स को। और सारे पेज फिर से बहुत मजबूत हैं, जैसा मैंने पिछले गेम में बताया था कि कोई पेज नहीं मिलेगा एकदम हलवा खाने को। तो सभी पेज मजबूत है दोनों ही टीमों की ओर से। निकलता मुड्डा अजहर भाई ने ताकत से बनाया, भागता समीर ने दिखाया, रोका, पतंग को चमकाया करीब करके, फिर से खड़ी पतंग फिर से ताकत से खींची और निकलता हुआ मार रहा है अजहर भी ताकत से। बढ़िया पेज फिर से अजहर भाई ने ये काट के एक पेज पूरा कर लिया है आकाश दिल्ली के लिए। और देखते हैं किसको चांस देंगे, हाथ से डोर छूट रही है। ये रह गया बढ़ गए पकड़ते हुए, ये हमारे कानपुर के भाई हैं, नाम इनका भूल गए, और मोहब्बत में आए हैं अजहर भाई की। और नीचे के पेज के लिए मिराज भाई बढ़ रहे थे हाथ चलाते हुए, लेकिन अजहर भाई जा रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ बात है क्या, तो कुछ समझाते हुए। और हिप्पी भाई चढ़ के दिखा रहे हैं भाई मिराज भाई को, ऊपर से विशाल भाई ने काटा था, रुके हुए हैं विशाल भाई, देखिए अपनी जगह पर फिर से पहुँचते हुए। ये हैं विशाल भाई, ताबिश भाई भी रेडी हैं ऊपर के पेज के लिए, और मिराज भाई बढ़ते हुए नीचे के पेज के लिए। कुछ बात हुई है लग रहा है, कुछ समझाया है पेज के बारे में लग रहा है, ये ऐसे लड़ाना है या वैसे लड़ाना है, देखते हैं कैसा पेज होगा आपकी बार। पेज सही, ऊपर से विशाल भाई स्पीड के मेंबर, बीचों बीच में अपनी पतंग का मुड्ढा उतारते हुए, नीचे से मिराज भाई टेक्निकल भी है, ताकत भी लगाते हैं, दोनों ही तरह का पेज लड़ा लेते हैं आपकी बार, देखते हैं क्या होगा। बीचों बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए भागता मिराज भाई लगातार खींचते हुए, रुके करीब करके, निकलता हुआ विशाल ने मुड्ढा बनाया, उसी को ताकत से मारते जा रहे, क्रॉस पट पे खींचा है और तुरंत देखिए आपकी बार विशाल भाई की पतंग कट गई। तो बढ़िया पेज, टाइम लेके मुड्ढा बदल के मिराज भाई ने काट के अपना एक पेज पूरा कर लिया आकाश दिल्ली के लिए।
और तुरंत पेज पे अगली पतंग आ गई है। कोई देरी नहीं, दोनों ही टीम से ताबड़तोड़ एकदम शौक हो रहा है, लग ही नहीं रहा टिकट का गेम लड़ रहा है। और दोनों ही टीमों को बड़ी मज़ा भी आ रही है क्योंकि पेज पे पेज मिल रहे हैं। और अगली पतंग तैयार थी और आविश भाई की पतंग जो थी वो समीर भाई ने अपने हाथ में ले लिया था। समीर भाई लड़ाएंगे अब की बार ऊपर से, तो चलते हैं देखते हैं। मिराज भाई का दूसरा पेज सही हो गया है, जल्दी से सही भी हो गया। अपनी पतंग का मुड्डा उतारते हुए ऊपर से समीर भाई, नीचे से बाकी तरफ मिराज भाई ने खींचा, थोड़ा गर्दन के पास अब की बार पेज हो रहा है। जो भी अपनी पतंग का मुड्डा उतार रहे हैं, मिराज भाई अपनी पतंग को ऊंचा करते जा रहे हैं। रुके, निकलता हूँ मुड्डा, समीर ने बनाया, पतंग सीधे पट पे हो रही है और दोनों पतंगें बराबर बराबर से चली गई हैं और दोनों ही बराबर से गई, किसी की पतंग टूटी नहीं है लग रहा है। लेकिन मिराज भाई की पतंग थोड़ी सी डगमग डगमग बाय बाय करते जा रही है, तो लग रहा है मिराज भाई की पतंग टूटी है और समीर भाई ये पेज कटे हैं। तो चलिए, दोनों बंदे बराबर से गए हैं तो किसी को भी पेज नहीं मिलेगा और नीचे से चांस मिल जाएगी आकाश क्लब दिल्ली के मेंबर को। देखते हैं अभी कोई मेंबर आगे नहीं बढ़ रहा और ये रहे हिप्पी भाई आगे की तरफ बढ़ते हुए। तो फ्रेंड्स, किसी ने चांस नहीं ली नीचे की आकाश दिल्ली की ओर से और अजहर भाई ने इशारा कर दिया नीचे से आइए, और आलोक भाई अपनी पतंग लेके नीचे के पेज के लिए बढ़ते हुए। तो देखते हैं आलोक भाई और अजहर भाई में कौन काटेगा अब की बार। तो ऊपर से अजहर भाई फिर से एक बार, और शायद तीसरा या चौथा या फिर पांचवा पेज होगा, लेकिन काट रहे हैं लगातार अपने क्लब आकाश दिल्ली के लिए ऊपर से और सारे मेंबरों को चांस दे रहे हैं। काफ़ी देर हो गई, नीचे का एक भी पेज नहीं लड़ाया और नीचे से आलोक भाई पहुंच गए हैं। पेज सही हो गया जगह लेते हुए, थोड़ी सी रेंज में आलोक भाई ने सही कराया और आलोक भाई की पतंग काफ़ी बढ़ है, ताकत का पेज लड़ा रहे हैं। ऊपर से अजहर भाई बीच में अपनी पतंग को ले जाते हुए रुके, अंदर का मुड्डा बनाया, पेज सही हो गया है काफ़ी दूरी पर। आलोक भाई की पतंग थोड़ी सी बढ़ है, निकलता हूँ मुड्डा, रेंज में ही अजहर भाई ने बनाया, उसी मुड्डे को ले रहे हैं, धीरे धीरे चल रहा है, ताकत भली उसी मुड्डे को ताकत से मारते हुए रुक के आलोक भाई ने अंदर की तरफ खींचा, क्रॉस पट हो रही है, आलोक भाई की पतंग अंदर की राउंड है, लेकिन राउंड होकर वापस से बाहर की तरफ आई और ये पेज अजहर भाई कट गए। तो एक पेज हो गया आलोक भाई का, लेकिन पतंग अंदर की है तो हटवाई जाएगी। अब देखते हैं ऊपर से लड़ाएंगे या कोई और नीचे की चांस लेगा स्पीड क्लब लखनऊ की ओर से। तो आलोक भाई की पेज पे पतंग आपने देखा घूम गई थी, आलोक भाई ये बात समझ गए और तुरंत पीछे की तरफ आ गए और बुला लिया है अब की बार दिल्ली के मेंबर को नीचे से, और नीचे का पेज लड़ाने के लिए बढ़ रहे हैं जावेद भाई आकाश दिल्ली के मेंबर। तो देखते हैं क्या दूसरा पेज आलोक भाई पूरा करेंगे इस पतंग से या फिर जावेद भाई रोक लेंगे। 500 मीटर की रेंज, ऊपर से आलोक भाई और नीचे से जावेद भाई जगह लेते हुए, पेज अभी सही नहीं हुआ है और जावेद भाई की पतंग कुछ अंदर की लग रही है पेज पे, देखते हैं क्या होगा। पेज सही हो गया, बाहर की तरफ जावेद भाई ने खींचा, या तो अंदर की पतंग है या तो फिर सिर्फ कुंडा लगा हुआ है, अगर ताकत भरेंगे पेज पे तो पता चलेगा। और अपनी पतंग को बीच में उतारते हुए आलोक भाई थोड़ा सा बढ़ करके अपनी पतंग को उतार रहे हैं, नीचे से जगह लेते जा रहे हैं जावेद भाई आकाश दिल्ली के लिए, और ऊपर से अपनी पतंग को अंदर की तरफ खींचते हुए ऊपर ऊपर आलोक भाई काफ़ी ज़्यादा नीचे से कोनी करा रहे हैं। जावेद भाई एक ही जगह पे खड़े हैं और टेढ़ा कराते चले जा रहे हैं, आलोक भाई अपनी पतंग को उतारते हुए और ज़्यादा अंदर की तरफ जगह ले रहे हैं और धीरे धीरे अपनी पतंग को ऊंचा करते चले जा रहे हैं। निकलता हुआ मुड्डा आलोक भाई ने काफ़ी दूर से बनाया, बाघ की तरफ खींचा जावेद भाई ने, पतंग को चमकाया, रुके, दोनों लोग करीब करके रुके हैं, पट पे खींचा क्रॉस, जावेद भाई ने क्रॉस मुड्डा मारा आलोक भाई ने भी, दोनों लोग ताकत से लड़ा रहे हैं ये वाला पेज और बढ़िया पेज आलोक भाई ने ये काट दिया जावेद भाई को, और दो पेज अपने पूरे कर लिए स्पीड लखनऊ के लिए। तो आलोक भाई ने ताबिश भाई को चांस दे दी है नीचे के पेज के लिए बढ़ते हुए, काफ़ी देर के बाद आए ताबिश भाई भी नीचे का पेज लड़ाने के लिए, और ऊपर से अजहर भाई की पतंग कट गई थी आपने देखा था, जो पतंग आलोक भाई थोड़ी सी अंदर की थी जिसको अब ऊपर से लड़ा रहे हैं, और देखते हैं ऊपर का कौन लड़ाएगा। मिराज भाई अपनी पतंग को तैयार कर रहे हैं, अजहर भाई गीठा लगा रहे हैं, तो लगता है अजहर भाई की ही पतंग है, हिप्पी भाई बैठे हुए हैं, अजहर भाई लड़ाएंगे अब ऊपर का पेज, और आज बहुत ज़्यादा चांसेस लिए हैं ऊपर के पेज के लिए अजहर भाई ने, ऊपर का ही पेज कंटिन्यू लड़ा रहे हैं। पेज सही हो गया, नीचे से जगह लेते हुए ताबिश भाई, ऊपर से अजहर भाई, दोनों का इस पतंग से पहला पेज, अंदर के मुड्डे पे अजहर भाई पतंग को उतारते हुए धीरे धीरे अपनी पतंग को ऊंचा करते जा रहे हैं। ताबिश भाई स्पीड क्लब के कैप्टन, निकलता हुआ मुड्डा अजहर भाई ने बनाया, उसी मुड्डे को धीरे धीरे लेके चलने, काफ़ी करीब करके चमकाया, चमका के क्रॉस मारा है बाहर की तरफ सल्लक पट पे खींचते हुए ताबिश भाई, और ये पेज कट गए, पतंग सीधी हुई, हल्का सा अंदर का मुड्डा हुआ अजहर भाई की पतंग का, और एक पेज अपना पूरा कर लिया आकाश दिल्ली के लिए। और ये रहा हमारे उस्ताद फैजान भाई टिकट लेने जा रहा है, क्या कहना फैजान भाई, कैसा गेम लड़ रहा है मुरादाबाद से? बहुत जबरदस्त, सब कम एज के सुना, ताकत वाला पेज हो रहा है, हर पार रखो बस, बढ़िया हर पार के पेज हो रहे हैं, हर तरीके का बढ़िया गेम लड़ रहा है। और ये देखिए काफी स्पेक्टेटर इधर भी हैं, हमारे जमील भाई भी हैं और छोटू भाई भी इधर बैठे हुए हैं,
लालू के ये बड़े भाई हैं लेकिन नाम छोटू भाई है, और ये न्यू नवाब लड़ रहा है, इनके सारे मेंबर हैं जो गेम लड़ा रहे हैं। ये रहे हमारे जावेद भाई और बबलू भाई, ये रहे वजीर भाई, इधर वाला गेम देखना। क्या कहना जावेद भाई? बस भाई पहुंचे हैं मैदान, अभी पहुंचे हैं तो रिपोर्ट क्या है, मतलब न्यूज क्या है मुरादाबाद के? पर्चे गए हुए हैं। अच्छा, चार पांच पर्चे गए हुए न्यू नवाब के। और गेम कैसा लड़ रहा था मुरादाबाद से? अच्छा लड़ रहा है, लड़के बढ़िया मेहनत से लड़ा रहे हैं। और सलीम भाई उधर भारी पतंग कैसी लड़ा रहे हैं? भारी भारी। सलीम भाई फिर से पहुंच गए पेज पे, बढ़िया गेम लड़ रहा है इधर भी न्यू नवाब का मुरादाबाद की टीम से। ये रहे हमारे सलीम भाई, भारी के बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, ऑल इंडिया में भी आपने भारी का बड़ा गेम देखा होगा इनको, काफी भारी भारी, इतनी भारी भारी पतंगे कहाँ से लाते हैं सलीम भाई? यार हम ज्यादातर अपने हाथ से। अच्छा अच्छा, हाथ की बना लड़ाते हैं। तो सलीम भाई तो जैसे अगर टीम बनाते तो या तो तारिक भाई के साथ या तो ये जो आपकी टीम आई यही टीम रहती है? अच्छा, तारिक भाई वाली टीम है ये तो, बस नए लोग। तो कैप्टन इस टाइम आप ही हैं, तो नंबर बता दीजिए, कोई हो सकता है आपसे गेम करना चाहे तो किस नंबर पे बात करें? नंबर ले लीजिए जी, 9989-2565-29। तो ये नंबर है सलीम भाई का, सलीम उर्फ कुंडा के नाम से बहुत मशहूर है, पतंग में कुंडा बहुत लगाते हैं और भारी पतंग का गेम बहुत गजब का लड़ाते हैं। और ये देखिए इनके सारे टीम के मेंबर्स हैं, ये लड़ा रहे हैं, देख सकते हैं नाम तो सबके नहीं पता लेकिन मेंबर आप देख लीजिए, जो टीम लखनऊ आई है मुरादाबाद की उसके ये सारे मेंबर हैं, ये सब मेंबर गेम लड़ा रहे हैं। दूसरे दिन का गेम चल रहा है इनका न्यू नवाब से, और उधर सीनियरिटी में खाली एक हमारे फैजान उस्ताद हैं, बाकी सब नए लड़के हैं कम उम्र के, लेकिन इधर भी जितने भी प्लेयर हैं सब कम उम्र के हैं और बढ़िया गेम लड़ा रहा है। चलते हैं वापस अपने गेम की तरफ, कवर करते हैं स्पीड लखनऊ और आकाश दिल्ली का गेम। पे सही ऊपर से हज़ार, नीचे से समीर, उम्मीद है कि ताकत का पे लड़ेगा दोनों के बीच में। 400 मीटर की रेंज, समीर भाई ने अपने पतंग को ऊँचा करके काफ़ी मुड्ढा दिया, अजहर भाई अपनी पतंग ऊपर ही ऊपर थोड़ा सा रेंज कम करा रहे हैं, ताकत से सीधे मुड्ढे पे खेतन को खींचते हुए रुके, पतंग ऊपर ही ऊपर चलाते हुए और थोड़ा गर्दन की तरफ धीरे धीरे अपनी पतंग को उतारते हुए बीच में मुड्ढा रखे हुए हैं। निकलता हुआ मुड्ढा बनाया अजहर भाई ने, पट पे थोड़ा सा दिखाया, रोका, रोके फिर से पट पे पतंग को खींचा, निकलता हुआ मुड्ढा बना रहे हैं, पतंग सीधी हो रही है, बाहर की पतंग है, पतंग सीधी हुई, भागता समीर ने ताकत से खींचा और ये पेज समीर ने काट के अपने दो पेज पूरे कर लिए हैं स्पीड लखनऊ के लिए। नीचे से समीर जगह लेते हुए अपने तीसरे पेज के लिए, ऊपर से मिराज भाई आ गए हैं, और जैसा कि आपको पता है टेक्निकल और ताकत दोनों का ही पेज लड़ाते हैं, और मिराज भाई ये पतंग थोड़ी सी भारी लग रही है, ऊपर ही ऊपर अपनी पतंग की रेंज को कम करते हुए 450 के करीब पेज सही हुआ है, ऊपर ही ऊपर मिराज भाई अपनी पतंग की रेंज को कम कर अंदर के मुड्ढे पर उतर रहे हैं, लगातार अंदर के मुड्ढे पर उतरते हुए, काफ़ी ज़्यादा अंदर के मुड्ढे पर पतंग उतारते हुए फिर से ऊपर की तरफ पतंग को ले जा रहे हैं और रेंज को लगातार कम कर रहे हैं। 300 मीटर की रेंज रह गई होगी, पतंग को ऊपर ही ऊपर खींचते हुए और नीचे से कोनी बना के जगह लिए हुए हैं समीर, स्पीड लखनऊ के मेंबर, सल्लक अंदर की तरफ खींचते हुए लगातार समीर अपनी पतंग को ऊँचा करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेंज को कम कर लिया है, लेकिन अभी भी मिराज भाई अपनी पतंग की रेंज को ऊपर ही ऊपर कम करते हुए थोड़ा सा पीछे पड़ जाते हैं जिससे दोनों पतंगें आपको दिख सके। निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, करीब करके रोका, लेकिन अभी भी रेंज को कम कर रहे हैं। निकलता हुआ मुड्ढा बना रहे हैं, काफ़ी रेंज को कम कर लाए हैं, लगता अपने हिसाब से जहां लड़ाना चाहते थे वहां पर ले आए, सीधा गड्ढा उतारा, अंदर की तरफ पतंग आई, बाहर की तरफ तेज तेज झटके मार दिए समीर ने, बढ़िया पेज काट के अपने तीन पेज पूरे कर लिए स्पीड लखनऊ के लिए। पेज सही हो गया, नीचे से समीर अपना चौथा पेज लड़ाते हुए, ऊपर से अजहर भाई आए हैं मुड्ढा रखते हुए, पेज सही चल रहा है, 300 मीटर की रेंज होगी, ताकत से खींचते हुए दोनों लोग, अजहर भाई अपनी पतंग को ऊपर ही ऊपर खींचते हुए नीचे से कोनी करा के और काफ़ी ऊंचा मुड्ढा दे रहे हैं समीर, और अंदर के मुड्ढे पे ही पतंग को खींचते जा रहे हैं, थोड़ा सा पतंग को बाहर निकाला, धीरे धीरे पतंग को उतारते हुए अजहर भाई दिल्ली आकाश काइट क्लब के मेंबर, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, समीर भाई भी अपनी पतंग को चमका रहे हैं, अंदर के मुड्ढे पर जगह लिए हैं और धीरे धीरे ऊँचा करते चले आ रहे हैं समीर और अजहर भाई, अंदर के मुड्ढे पे पतंग को उतारते हुए निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, भागदा समीर भाई ने पतंग को चमकाया, रोके अंदर के मुड्ढे पे ताकत से खींचा, डबल होती पतंग जा रही है अजहर भाई की, रोके हुए करीब करें दोनों लोग, कोई जल्दबाजी नहीं, जाने दिया अजहर भाई की पतंग को, गर्दन के पास से पतंग आ गई, 300 मीटर की रेंज अभी भी बनी हुई है, एक ही जगह पे दोनों लोग पतंग को चमका रहे हैं, दो बढ़िया प्लेयर के बीच में पेच है, कुछ भी हो सकता है इस पेच पे। क्रॉस मुड्ढा बनाया अजहर भाई ने, करीब करके पतंग को फिर से चमकाया, समीर भी अपनी पतंग को चमका रहे हैं, दोनों लोग करीब कर रहे हैं पतंग को लेकिन पहल नहीं कर रहा कोई खींचने की, समीर भाई अंदर के मुड्ढे पे पतंग को ऊंचा करते जा रहे हैं, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया अजहर भाई ने, करीब करा, बाहर के मुड्ढे में समीर भाई ने दिखाया, रोका, पतंग को चमका रहे हैं, डबल करते हुए अजहर भाई अपनी पतंग को उठा रहे हैं, जाने नहीं दे, बाहर का मुड्ढा फिर से समीर भाई ने बनाया, रुके, रोके हुए हैं पतंग को, डबल करते हुए बार बार अपनी पतंग को अजहर भाई उठा रहे हैं, लग रहा है डबल का पेड़ लड़ाने का मूड है, पतंग को चमका रहे हैं, सीधा गद्दा बनाया, करीब करके रुके,
रुक के फिर से देखिए डबल के मुड्डे पे पतंग को उठाते हुए, लेकिन समीर भी डबल हुई पतंग को बाहर की तरफ नहीं खींच रहे, अंदर की तरफ खींच के काटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। बढ़िया प्लेयर हैं, जानते हैं दोनों एक दूसरे को, तो ऐसा पिन लाना चाहते जो खतरनाक हो, निकलता हो क्रॉस मुड्डा, ताका से खींचा अजहर भाई ने बाहर की तरफ स्पॉट पे खींचा समीर भाई ने भी, और बढ़िया पेज ये काट के अपने चार पेज पूरे कर लिए स्पीड लखनऊ के लिए। तो नीचे से समीर भाई अपना पांचवा पेज लगा रहे हैं, ऊपर से फिर से मिराज भाई आ गए हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर, टेक्निकल प्लेयर, ताकत वाले प्लेयर, हर तरीके से पतंग उड़ा लेते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। नीचे से समीर भाई जगह लेते जा रहे हैं पांचवे पेज के लिए स्पीड लखनऊ के लिए, और ऊपर से मिराज भाई अंदर के मुड्डे पे पतंग को उतारते हुए, अभी सही की आवाज़ नहीं हुई लेकिन ऊपर ही ऊपर काफ़ी ज़्यादा पतंग उतार रहा है, पतंग को ज़्यादा ही अंदर की लग रही है मिराज भाई की, देख सकते हैं। या तो कुंडा लगा है या तो ताकत से जब पेज खींचेंगे तो पता चलेगा, थोड़ा सा पीछे हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही रेंज को कम कराने की कोशिश कर रहे हैं मिराज भाई। थोड़ा सा गर्दन की तरफ बढ़े मिराज भाई, फिर से ऊपर ही ऊपर पतंग को खींचते हुए, और नीचे से टेढ़ा करा के जगह लिए हुए समीर भाई, लेकिन रेंज को अभी भी कम करा रहे हैं, अंदर की तरफ खींचते हुए मिराज भाई धीरे धीरे अपनी पतंग का मुड्डा रखते हुए, और 250 मीटर की रेंज हो गई होगी, उससे भी थोड़ी सी कम होगी, करीब करके रोका, रोक के अंदर के मुड्डे पर उतार रहे हैं, बाहर की तरफ समीर अपनी पतंग को बनाए, एक मुड्डा रोका है, डोर छोड़ी अंदर के मुड्डे पे, फिर से मिराज भाई झटके मार रहे हैं, रुके रुक के निकलता हूँ डरना, फिर से अंदर के मुड्डे पे तेज तेज झटके मारे, बाहर की तरफ की बार समीर ने जैसी ताकत बनाई कट गए। तो बढ़िया पेज टेक्निकल काट दिया मिराज भाई ने, रोक लिया समीर को पाँचवें पेज पर। छः सौ मीटर की रेंज, नीचे से अजहर भाई ऊपर से समीर, अब ज़्यादा से ज़्यादा पतंग स्पीड के लिए और टिकट वापसी के लिए और जीत दिलाने के लिए लड़ा रहे हैं स्पीड क्लब के समीर भाई। अंदर के मुड्डे पे पतंग को दिखाया, चमकाया, निकलता हूँ मुड्डा समीर ने बनाया, बाहर की तरफ खींचा, दोनों लोग खींच रहे, क्रॉस पट पर मारा अजहर भाई ने गद्दा, पतंग घूम के अंदर की तरफ आई, झटकों पर पेज चल रहा है, दोनों लोग थपकियाँ मार रहे हैं, और अजहर भाई ने थपकते हुए यह पेज काट दिया समीर को, और एक पेज अपना पूरा कर लिया आकाश दिल्ली के लिए। तो जिस पतंग से पेज काटा अभी अजहर भाई ने, थोड़ी सी बाहर की है, तो देखते हैं पीछे जा रहे हैं, अपने हाथ में कोई दूसरी पतंग लेंगे, और ये देखिए हमारे कानपुर के भाई आ रहे हैं और पतंग देंगे अजहर भाई के हाथ में। अजहर भाई ये जो कानपुर के मेंबर हैं इनका क्या नाम था भूल गए, हाँ इल्ला भाई हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हुए अजहर भाई का, और देखिए दूसरी पतंग लेके आ रहे हैं अजहर भाई के लिए, और ऊपर की ओर से लग रहा है फिर से समीर भाई ने अपने हाथ में पतंग ले ली है, सारी पतंगें समीर लड़ा रहे हैं स्पीड काइट क्लब लखनऊ के लिए। वो नीचे से अजहर भाई ने अपने हाथ में दूसरी पतंग ले ली है, और ऊपर से अपनी पतंग का मुड्ढा उतारते हुए समीर भाई, फिर से समीर भाई को पतंग दी गई है, 4:30 बज रहा है, टिकट की अपडेट हम बताते हैं आपको, निकलता हूँ मुड्ढा समीर भाई ने बनाया, अंदर की तरफ अजहर भाई ने पहल करके ताकत से गिना शुरू कर दिया, रुक के समीर भाई ने भी गद्दा मारा ताकत से, लेकिन अजहर भाई अंदर की तरफ खींचे जा रहे, और ये पेज अब की बात समीर भाई ने काट दिया अजहर भाई को, और एक पेज पूरा कर लिया स्पीड लखनऊ के लिए। तो देखते हैं खुद लड़ाएंगे नीचे से या किसी और को चांस देंगे, और आगे की तरफ बढ़ते हुए ताबिश भाई कैप्टन स्पीड के सपोर्ट करते हुए समीर भाई का पतंग को थाम लिए अपने हाथ में, देखते हैं ताबिश भाई लड़ाएंगे क्या अगला पेज। ताबिश भाई आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, साथ में समीर भाई भी हैं, रुक गए हैं समीर भाई, तो लगता है ताबिश भाई लड़ाएंगे अब की बार ये पतंग नीचे से स्पीड लखनऊ के लिए। और ये हमारे आमिर भाई डालीगंज वाले नादागंज मैदान में गेम को देखते हुए, क्या हाल आमिर भाई? बढ़िया भाई, क्या कहना, आज भी गेम बड़ा कांटेदार लड़ रहा है अजहर भाई का और समीर भाई का स्पीड क्लब से जी। और चलते हैं पेज पे, मिराज भाई एक बार फिर से आ गए हैं ऊपर के पेज के लिए, और नीचे से समीर भाई बने हुए हैं, और पांचवे पेज पे रोका था मिराज भाई ने, बढ़िया पेज होगा अब की बार फिर से, देखते हैं पतंगे पेज पे आ जाते हैं फिर हम लोग कवर करते हैं। और जावेद भाई लगता है अपनी पतंग लेके आ गए जगह बनाते हुए, जावेद भाई वर्सेस समीर का पेज होगा। नीचे से समीर जगह लेते हुए अपने दूसरे पेज के लिए, और ऊपर से जावेद भाई मुड्ढा रखते हुए कोनी करा के और काफ़ी ऊँचा करके मुड्ढा दे रहे हैं समीर, और थोड़ा गर्दन की तरफ बढ़ते हुए अब की बार जावेद भाई आकाश दिल्ली के मेंबर पतंग को ऊपर ही ऊपर नचाते हुए एकदम गर्दन के पास हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, समीर अपनी पतंग को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं लेकिन गर्दन के पास अपनी पतंग को उतारते हुए धीरे धीरे गर्दन की तरफ चलते हुए कोनी बना के जगह लेते जा रहे हैं समीर, एकदम कन्ने मारने की कोशिश अब की बार जावेद भाई की है आकाश दिल्ली के मेंबर, बाहर की तरफ समीर ने अपनी पतंग को खींचा फिर से जगह ले रहे हैं, लेकिन एक मुड्ढा भी अंदर की तरफ ना आके सल्लक कन्ने की तरफ चलते हुए अब की बार, और शाम के समय ऐसे पेज हुए अभी तक जितने पेज थे ज़्यादातर बीच में रखे हुए, अंदर के मुड्डे पर ताकत से जगह ली, सीधा गद्दा ताकत से मारा गर्दन के पास से, रुके समीर रुक के बाहर की तरफ ताकत से खींच के झटके मार दिया, और बढ़िया पेज ये काट के अपने दो पेज पूरे कर लिए स्पीड लखनऊ के लिए। तो ये रहा हमारे नईम भाई स्पीड क्लब के फाइनेंसर। तो नईम भाई टिकट की क्या अपडेट है? 4:30 बज रहा है,
दो टिकट है उधर। अच्छा, दो टिकट अभी स्पीड के दबे हुए हैं, तो अभी भी दो टिकट दबे हुए हैं स्पीड के, आकाश दिल्ली की ओर। और समीर भाई नीचे से अपने दो पेज काट चुके हैं, देखते हैं अब की बार कौन काटेगा। अभी सारे पेज जो है नईम भाई कवर कर देंगे, नईम भाई कवर कर देंगे, पतंग उड़ाएंगे और जो है 14 काट देंगे। 14 काट देंगे, ये रहे हमारे नईम भाई, मुँह से काट देंगे। और मेराज भाई फिर से ऊपर से आ गए हैं रोकने के लिए, समीर भाई को देखते हैं अब की बार समीर भाई तीसरा पेज अपना कैसे पूरा करेंगे। नीचे से समीर, ऊपर से मिराज भाई, अब की बार मुड्ढा नहीं रखने दे रहे हैं मिराज भाई को। समीर और ताका से गिरना शुरू कर दिया है, भारी पतंग डबल होती हुई जा रही है। समीर भी बाहर की तरफ खींचते हुए रुक नहीं रहे हैं, बाहर की तरफ समीर की पतंग आई, डबल हो रही थी पतंग लेकिन काट दिया समीर भाई ने ताका से खींचते हुए अब की बार मिराज भाई को, और पूरे कर लिए अपने तीन पेज स्पीड लखनऊ के लिए। पेज सही, एक बार फिर से ऊपर से अजहर और नीचे से समीर अपना चौथा पेज लड़ाते हुए, ताकत वाला पेज होगा दोनों के बीच में। नीचे से समर अपनी पतंग को चमकाते जा रहे हैं, ऊंचा करते चले आ रहे हैं, बीचों बीच में अजहर ने अपनी पतंग का मुड्ढा रखा, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, पतंग धीरे धीरे सीधी हो रही है, करीब करके रुके अजहर भाई, पतंग को फिर से चमका रहे हैं, थोड़ा सा पट पे घर ली कराया, फिर से अंदर के मुड्ढे पे समीर ऊंचा करते जा रहे हैं, डबल करते हुए अजहर भाई की पतंग, अजहर भाई रुके, थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड्ढा बना रहे हैं, पतंग को चमका रहे हैं ऊपर ऊपर ही पतंग को चमकाते हुए, और ज़मीन से काफ़ी आसमान की तरफ पतंग लड़ रही है आली, ऊँचाई बहुत ज़्यादा है। अंदर के मुड्ढे पे ही अजहर भाई अपनी पतंग को उतार रहे हैं, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, समीर ने भी बाहर का मुड्ढा बनाया, पतंग को चमकाया, पट पे थोड़ा सा खींचा, दोनों लोग रुके, करीब करके फिर से खींचा, ताकत से बाहर का मुड्ढा बना लिया, समीर ने उसी को खींचते आ रहे बाहर की तरफ, अजहर भाई ने भी ताकत से खींचा, बढ़िया पेज ये काट के चार पेज अपने पूरे कर लिए स्पीड लखनऊ के लिए समीर ने। नीचे से समीर भाई अपने छठे पेज के लिए जगह लेते हुए, ऊपर से एक पेज काटा था तो उससे पहले वाला जो पेज आपने देखा था वो समीर भाई का पांचवा पेज था, पतंग को ऊंचा करते जा रहे हैं, हिप्पी भाई अंदर की तरफ एकदम बीचों बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए सलग अंदर का मुड्ढा बना लिया है, बाहर की तरफ थोड़ा सा क्रॉस पट पे धीरे धीरे अपनी पतंग को ले जा रहे हैं, समीर रुके, दोनों लोग करीब करके बाहर, हिप्पी भाई अपनी पतंग को उतारते हुए करीब करके रोका, निकलता मुड्ढा हिप्पी भाई ने बनाया, फिर से ताकत भरी, निकलता मुड्ढा बनाया, बाहर की तरफ सलग चिपटा खींचा है समीर भाई ने, लेकिन अब की बात समीर भाई पेज कट गए, तो ताकत के पेज में हिप्पी भाई ने काट के रोक लिया छठे पेज पे समीर भाई को, और एक पेज अपना पूरा कर लिया आकाश दिल्ली के लिए। तो देखते हैं अब की बार कौन लड़ाएगा, और अजहर भाई के हाथ में पतंग दे दी तुरंत हिप्पी भाई ने, तो लगता है अजहर भाई इस पूरी पतंग उड़ाएंगे, और लगता है नीचे से लड़ाएंगे, उस टाइम वाली जो नीचे वाली पतंग थी खराब थी हट गए थे। तो अजहर भाई आ गए हैं नीचे के पेज के लिए, और गेम में बता दूँ एक टिकट है अभी भी दिल्ली के पास स्पीड का, बहुत ही टक्कर का गेम लड़ रहा है, 4:45 का टाइम है, सिर्फ आधे घंटे का गेम बचा है, तो कुछ भी हो सकता है इस गेम में, बढ़िया पतंगें लड़ रही हैं, बढ़िया टक्कर का गेम हो रहा है आकाश दिल्ली वर्सेस स्पीड लखनऊ के बीच में। नीचे से अजहर भाई 500 मीटर की रेंज, और ऊपर से अब की बार फिर से समीर भाई के हाथ में पतंग दे दी है, काफ़ी ज़्यादा फटाव करके जगह बनाए हुए हैं समीर भाई ऊपर के पेज के लिए, और सूरत देख सकते हैं बस आधे घंटे का गेम और रह गया है, ज़्यादा टाइम नहीं है। पेज सही हो गया, काफ़ी रेंज में 500 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। नीचे से अजहर भाई जगह लेते हुए, ऊपर से समीर भाई, दोनों का इस पतंग से पहला पेज, बाहर का मुड्ढा बनाया, रुके, अंदर का मुड्ढा दिखा रहे हैं, समीर ताकत से निकलता हुआ मुड्ढा बनाते जा रहे हैं, रुक के सलग बाहर की तरफ खींचते हुए, अजहर भाई ने भी क्रॉस पट पे खींचा, दोनों लोग अपनी ताकत से खींचते हुए काफ़ी नीचे पतंग आई समीर की, और ये पेज कट गए, बढ़िया पेज ताकत वाले में अजहर भाई ने समीर को काटा और अपना एक पेज पूरा कर लिया आकाश दिल्ली के लिए, और दो टिकट अब हो गए इस पेज के साथ दिल्ली के पास स्पीड लखनऊ के। दूर पे देख सकते हैं समीर खड़े हुए हैं, ये हमारे अजहर भाई खड़े हैं, और ताकत का पेज लड़ रहा है लगातार, सारी पतंग अभी इस टाइम समीर भाई के हाथ में दी जा रही है, लेकिन दो टिकट अभी भी दबे हुए हैं स्पीड लखनऊ के आकाश दिल्ली की तरफ, टक्कर का मैच हुआ, कभी एक पर्चा उधर कभी एक पर्चा इधर, और देखते हैं दोनों लोग क्या करेंगे कैसे खींचेंगे। थोड़ी दूर पर हैं समीर भाई, ये देख सकते हैं चरखी दिखाते हुए विशाल भाई, पतंग चलाते हुए दोनों लोग पतंग को चला रहे हैं, अजहर भाई ने ताकत भरी, देखे समीर भाई ने ताकत भरी, दोनों लोग ताकत से खींचते हुए, और ये पेज भी अजहर भाई ने काट दिया है, तो दो पेज अजहर भाई ने पूरे कर लिए हैं नीचे से आकाश दिल्ली के लिए, और इसी पेज के साथ तीन पर्चे हो गए हैं आकाश दिल्ली के पास स्पीड लखनऊ के। ऊपर से आलोक भाई और नीचे से अब की बार हैं अजहर भाई अपने तीसरा पेज लड़ाते हुए, 550 मीटर की रेंज होगी, सही हो गया है काफ़ी दूरी पे,
नीचे से अपनी पतंग को धीरे धीरे उठाते हुए निकलता हुआ मुड्ढा काफ़ी रेंज में आलोक भाई ने बनाया। उसी मुड्ढे को धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। अजहर भाई भी अंदर के मुड्ढे पे खींचते हुए रुके फिर से अंदर का मुड्ढा दिखाया, ताकत से अंदर के मुड्ढे पे रुके, रुक के फिर से बाहर का मुड्ढा ताकत से खींचा, करीब करके फिर से बाहर की तरफ खींचते हुए आलोक भाई भी ताकत लगा रहे। दोनों लोग ताकत का याला पेज लड़ा रहे हैं, बाहर की तरफ खींचते हुए आलोक भाई भी कट गए। बढ़िया पेज फिर से अजहर भाई ने काट दिया। तीसरा पेज बीच में रख के ताकत का पेज हो रहा है। तीनों पेज इसी तरह से लड़े हैं ताकत वाले अजहर भाई से, एक दो पेज समीर के और एक पेज ये आलोक भाई वाला। तीन पेज अपना पूरा कर लिया आकाश डेली के लिए अजहर भाई ने। वो अजहर भाई का चौथा पेज है, रोकने के लिए चौथे पेज पे आ गए हैं समीर भाई स्पीड के मेंबर। चलते हैं जल्दी से पेज पे और 600 मीटर की रेंज होगी। ताकत का पेज लड़ रहा है काफ़ी रेंज में, बीच में रख के आर पार का पेज हो रहा है। इसमें तीन पेज अजहर भाई काट चुके हैं, पेज सही है। नीचे से अजहर भाई फिर से जगह लेते हुए अब की बात थोड़ा सा गर्दन की तरफ मुड्ढा बनाया, फिर से अंदर की तरफ मुड्ढे पे ताकत से उतरते हुए बाहर की तरफ दिखाया, फिर से अंदर की तरफ जगह लेते हुए अजहर भाई आकाश डेली के मेंबर। और रेंज अभी बहुत ज़्यादा है, अब की बार थोड़ा सा रेंज को कम करा रहे हैं। ऊपर ऊपर पतंग को खींचते हुए समीर भाई दोबारा से मुड्ढा रखते हुए अभी भी 500 मीटर की रेंज बहुत आराम से है। अंदर के मुड्ढे पे पतंग उतारते हुए अजहर भाई ने अपनी पतंग को काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दिया, पतंग को चमकाते हुए फिर से पट पे ले गए। कोई जल्दबाजी नहीं, अंदर के मुड्ढे पे जगह लेते आ रहे हैं। समीर भाई अब की बात धीरे धीरे रेंज को कम करा रहे हैं। बीच में मुड्ढा उतारते हुए समीर भाई थोड़ा सा पतंग को कम करके, अजहर भाई की पतंग थोड़ी सी बढ़ है। इससे पहले वाले जो पेज हुए थे दोनों पतंगें बराबर थी। समीर भाई अभी भी रेंज को कम करा रहे हैं, अजहर भाई लेकिन अंदर के मुड्ढे पे जगह लिए हुए हैं और पतंग को अपना थोड़ा सा बढ़ करके ही लड़ा रहा है। समीर भाई ऊपर ही ऊपर रेंज को काफ़ी कम करा रहे हैं, लगता है काफ़ी ज़्यादा रेंज को कम करा के लड़ाएंगे। काफ़ी रेंज कम हो गई है। अजहर भाई जगह लेते हुए फिर से पतंग को बाहर की लगा निकालते हुए धीरे धीरे अपनी पतंग को ऊपर से रखते हुए जा रहे हैं। समीर भाई थोड़ी सी भारी पतंग लग रही है अब की बार समीर भाई की। चौथा पेज है आकाश डेली के लिए अजहर भाई का, पतंग को बाहर की तरफ खींचते हुए काफ़ी रेंज कम करा लाएँ। 300 मीटर की रेंज होगी, बाहर की तरफ अजहर भाई अपनी पतंग को निकाल लें लेकिन समीर भाई जाने नहीं दे रहे। ऊपर से अंदर की तरफ अपनी पतंग को उतारते हुए काफ़ी नीचे पेज आ गया है, ये देख सकते हैं फैक्ट्री के ऊपर पेज। अंदर के मुड्ढे पे पतंग उतारते हुए बाहर की तरफ अजहर भाई ने किया चुस्क्यो पेज, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि पेज आया कि नहीं। और देखिए डबल करने की कोशिश काफ़ी करीब करके अजहर भाई बाहर की तरफ खींच रहे हैं और समीर अंदर की तरफ दिखा रहे हैं, पेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं अजहर भाई। और देखिए डबल करने की पूरी कोशिश, और ये डबल करी चुस्कियों पे पेज आ गया है, चुस्किया चल नहीं है। समीर भाई ने ताकत से खींचा और कट गए। बढ़िया पेज ये अजहर भाई ने काट दिया और चार पेज अपने पूरे कर लिए आकाश डेली के लिए। तो सलमान भाई आ रहे हैं, पेज आपने अभी देखा था और ये देखिए फ्लाइंग किस देते हुए हमारे सलमान भाई अजहर भाई को, जो पेज अभी अजहर भाई ने काटा है डबल करके, ताकत से खींची थी समीर भाई ने लेकिन पेज कट गए। तो बढ़िया पेज काट दिया, बहुत शानदार काट दिया, काफ़ी दूर से कहने के लिए आए सलमान भाई हमारे। बढ़िया पेज था, काफ़ी रेंज कम करा के काटने की कोशिश थी लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया उसमें समीर भाई। पेज ऑफ द मैच था ये, पेज ऑफ द मैच। तो आप ये पेज ऑफ द डे के लिए यही वाला पेज पड़ेगा और पांचवा पेज लड़ाएंगे अजहर भाई अपना, और देखते हैं अब की बार कौन आता है स्पीड क्लब की तरफ से। पेज सही हो गया है, रेंज बहुत ज़्यादा है, 650 मीटर की रेंज होगी। ऊपर से आलोक भाई आ गए हैं और नीचे से अब की बार अजहर भाई अपना पांचवा पेज लड़ा रहे हैं आकाश डेली के लिए। सारे पेज रेंज में हुए अब की बार और डोर देख सकते हैं थोड़ी सी ऊपर ही है, साइड में हो जाते हैं। निकलता हुआ मुड्ढा बना रहे हैं आलोक भाई काफ़ी ऊंचा करके, अब की बार अजहर भाई ने मुड्ढा दिया, ताकत से खड़ा खींचा, सीधे गद्दा मारा। आलोक भाई भी सीधी पतंग को अपनी उतारते जा रहे हैं और सीधी पतंग खड़ी खींच के अब की बार अजहर भाई ने काट के अपने पांच पेज पूरे कर लिए हैं आकाश डेली के लिए। ऊपर से समीर सही होते ताकत से गद्दा मारने लग गए, खड़ी पतंग अब की बार फिर से खींची है अजहर भाई ने और थोड़ी सी पतंग अंदर गया ताकत से खींचे और फिर से ये पेज अजहर भाई ने काट दिया समीर को, और छः पेज अपने पूरे कर लिए आकाश डेली के लिए। पेज सही हो गया, सातवां पेज रोकने के लिए आए हैं स्पीड क्लब के आलोक भाई। नीचे से जगह लेते हुए अजहर भाई सेम रेंज में पतंग लड़ रही है, 600 मीटर से कम नहीं हुई, पेज वहीं पे फिर रहा है। बीच में अपनी पतंग का मुड्ढा उतारते हुए आलोक भाई, एक ताकत का पेज होगा दोनों के बीच में। अजहर भाई ने बाहर का मुड्ढा बनाया, उसको ताकत से खींचते हुए निकलता हुआ मारा है थोड़ा सा आलोक भाई ने। दोनों ताकत से खींचते हुए बाहर की तरफ पतंग खींचते जा रहे, लगातार काफ़ी पतंग नीचे आ गई है बाहर की तरफ। अजहर भाई अभी भी खींच रहे हैं दोनों के, काट कर पतंग घुसेड़ दिया आलोक भाई ने और ये पेज अजहर भाई कट गए। पतंग घुसेड़ दी है, अभी निकली नहीं है और बहुत ही ताकत का पेज हुआ ये दोनों के बीच में, पतंग नहीं निकल के आई लेकिन सातवां पेज ताकत लगा के आलोक भाई ने ये रोका अजहर भाई को और अजहर भाई की ये पतंग कट गई। ये जा रही अजहर भाई की पतंग, तो पतंग नहीं निकल के आई तो रोक लिया। अंधेरे का टाइम था, आप देखते हैं क्या डिसाइड होता है, काफ़ी टाइम भी हो गया दोनों के बीच में।
फ्रेंड्स 5:10 हो रहे हैं, नीचे से हिप्पी भाई आ गए, ऊपर से फिर से समीर भाई ने अपने हाथ में पतंग ले ली है और कहीं ना कहीं 6 पेज तो अजहर भाई ने काटे हैं। एक टिकट पहले से था तो 7 टिकट लगता है आइडिया के हिसाब से दबे हैं अभी भी स्पीड लखनऊ के। तो देखते हैं क्या 7 टिकट की वापसी होगी, कुछ तय होगा दोनों के बीच में। अंदर के मुड्ढे पर समीर भाई पतंग उतारते हुए बाहर का मुड्ढा बनाया, नीचे से हिप्पी भाई जगह लेते चले जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बाहर के मुड्ढे पे धीरे धीरे अपनी पतंग को निकालते हुए समीर रुके, आगे भी एक पतंग खड़ी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं हिप्पी भाई। समीर भाई ने रुके, रुक के फिर से अपनी पतंग उठाया, फिर से धीरे धीरे मुड्ढा रखते हुए हिप्पी भाई ने बाहर का मुड्ढा बनाया, उसी को ताकत से भरा, निकलते हुए पतंग जा रही हिप्पी भाई की। रुके, हिप्पी भाई भी रोके, अंदर की तरफ ताकत से खींचा, निकलता हुआ हमारा समीर ने भी, दोनों लोग हिप्पी भाई अंदर की तरफ थपकिया मार रहे हैं, बाहर की तरफ निकलता हुआ समीर का मुड्ढा जा रहा, और ये पे समीर ने काट दिया हिप्पी भाई को और एक पेज अपना पूरा कर लिया स्पीड लखनऊ के लिए। तो ये देखिए हमारे मिराज भाई आए हैं। मिराज भाई जड़ी बूटी खाई? ऊपर वाला मालिक है। और फिर से मिराज भाई बढ़ते हुए और ऊपर से समीर लड़ाएंगे अपना दूसरा पेज, देखते हैं अब की बार कौन काटेगा। नीचे से मिराज भाई जगह लेते हुए ऊपर से समीर अपने दूसरा पेज लड़ा रहे हैं, पतंग थोड़ी सी अंदर की इसलिए नीचे से बुला लिया आकाश दिल्ली के मेंबर को, करीब करके रोका, ताकत से खड़ा थपकियों पे पेज आया और रोक के समीर ने पतंग को खींचा सीधा और ये पेज मिराज भाई कट गए। 2 पेज समीर ने अपने पूरे कर लिए स्पीड लखनऊ के लिए। तो फ्रेंड्स 5:15 हो रहा है और जैसा कि तय हुआ था कि 2 ही पतंग और लड़नी है, समीर ने 2 पेज काटे हैं, नीचे से अजहर भाई आ गए हैं, देखते हैं आला पेज। और जिस हिसाब से तय हुआ था स्टार्टिंग में उस हिसाब से सिर्फ 2 पेज अब और लड़ने चाहिए आकाश दिल्ली और स्पीड लखनऊ के बीच में। चलते हैं जल्दी से पेज पे। सही की आवाज़ दे दी, पेज सही हो गया, ऊपर से समीर निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, अंदर की तरफ जगह लेते हुए अजहर भाई पतंग को चमकाया, समीर भी चमका रहे हैं, निकलता हुआ समीर ने बनाया, बाहर की तरफ बनाया अजहर भाई ने, दोनों लोग फिर से ताकत से लड़ा रहे हैं और फिर से अजहर भाई ने ये पेज काट दिया है और एक पेज अपना पूरा कर लिया आकाश दिल्ली के लिए और एक पेज और लड़ेगा जिस हिसाब से तय हुआ था स्टार्टिंग में लखनऊ और दिल्ली के बीच में। नीचे से अजहर भाई ने काफ़ी ज़्यादा चढ़ा के मुड्ढा दिया, निकलता हुआ बनाया आलोक भाई ने दूसरा पेज अजहर भाई का, बाहर की तरफ अजहर भाई ने फिर से ताकत बनाई, सीधा गद्दा बनाया आलोक भाई ने, दोनों लोग ताकत से खींचा, निकलती हुई पतंग जा रही है आलोक भाई की, अब की बार आलोक भाई ने ये पेज अजहर भाई को काट दिया और एक पेज अपना पूरा कर लिया स्पीड लखनऊ के लिए। और देखते हैं कोई और पेज होगा या फिर आज के दिन का ये आखिरी पेज था। और लास्ट पेज लड़ाने के लिए बढ़ रहे हैं जावेद भाई आकाश दिल्ली के और ऊपर से अपना लास्ट पेज नईम भाई ने अपने हाथ में पतंग ले ली है आलोक भाई की और देखते हैं कौन पेज काटेगा, नईम भाई काटेंगे अपना आज के दिन का आखिरी पेज या फिर जावेद भाई काटेंगे आकाश दिल्ली के लिए। नीचे से जावेद भाई जगह लेते हुए ऊपर से नईम भाई स्पीड क्लब के मेंबर बीचों बीच में अपनी पतंग का मुड्ढा उतारते हुए पेज सही हो गया, आज के दिन का ये आखिरी पेज होगा दोनों के बीच में। निकलता हुआ मुड्ढा नईम भाई ने बनाया काफ़ी दूरी से, बाहर की तरफ जावेद भाई भी अपनी पतंग को खींचते जा रहे हैं, काफ़ी करीब करा लग रहा है जावेद भाई फंसाने के मूड में, बाहर की तरफ लाए और चुस्क के ऊपर रख लिया बाहर के बल पर और सीधा करा थपकियाँ मार रहे ताकत से नईम भाई, लेकिन ये पेज कट गए। तो देखते हैं किस क्लब ने कितने पर्ची से आज का गेम जीता है लखनऊ वर्सेस दिल्ली में। और ये हमारे साथ में उस्मान आगा काइट मेकर लखनऊ के, काफ़ी बढ़िया कम उम्र में बहुत बढ़िया पतंग बनाते हैं और देर में आए गेम देखने उस्मान भाई आप। 4:30 बजे तो गेम में क्या कहना आपका? बढ़िया लड़ा टक्कर के पतंगे लड़ी दोनों के बीच में, टक्कर की पतंग लड़ी है, बाद में गेम पलटा जब अजहर भाई ने काटा है, उधर अजहर भाई ने बढ़िया गेम लड़ा दिया। तो उस्मान भाई अपना नंबर बता दीजिए, हो सकता है आपसे कोई पतंग बनवाना चाहे, अपना नंबर बता दीजिए। 5633-1463 तो ये उस्मान भाई का नंबर है, इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, बढ़िया पतंग बनाते हैं, व्हाट्सएप पे आपको पतंगे दिखा देंगे किस तरह की बनाते हैं, हर तरह का फरमा बनाते हैं। और जो सलमान भाई की काइट शॉप है उस पर भी इनकी पतंगे अवेलेबल रहती है और कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट उस्मान भाई से और पतंगे ले सकते हैं। तो चल के पता करते हैं किसके पास कितने टिकट हैं, कौन जीता है आज का गेम और कितने टिकट से जीता है। ये पूरी टीम खड़ी है दिल्ली की और ये है स्पीड की टीम लखनऊ। ये रहे हमारे नईम भाई आखिरी पे, नईम भाई ने लड़ाया और ताबिश भाई कैप्टन देखना बता रहे। तो ताबिश भाई क्या रहा आज की अपडेट आपके गेम की? भाई 5 या 6 टिकट 5 या 6 टिकट अच्छा कंफर्म अभी करना, 5 या 6 टिकट से 6 टिकट से। तो पता कर लेते हैं हम लोग दिल्ली की ओर भी चल के, बढ़िया गेम लड़ा आखिरी में अजहर भाई की जो पतंग टिकी उससे थोड़ा सा गेम पलट गया और गेम जीत गई है दिल्ली यहाँ पे। और बात कर लेते हैं हम लोग, और ये रहा साहिल भाई, साहिल भाई क्या कहना गेम के बारे में आज का जो लड़ाई दोनों के बीच में, ये कहना बहुत ताकत वाले पेज में क्या कहा, बीच में रख रख के ताकत लगाई गई है, एक नंबर का एक ना कि लोग झूठा नहीं करा, झूठा नहीं सही सच्चा पेज बीच में रख के, बीच में रख के एक नंबर का पेज देखने में भी मजा आती, लड़ाने वाले कोई मजा आती, बहुत बढ़िया ताकत वाले पेज हुए। चलते हैं हम लोग दिल्ली के पास और कंफर्म करते हैं कितने टिकट से आज का गेम जीती आकाश दिल्ली। ये रहे हमारे अजहर भाई, बढ़िया ताकत का आज गेम देखने को मिला है, बीच में रख के ताकत से खींचो जो देखे कौन काटता है, क्या कहना है? बहुत शानदार पतंगबाजी हुई है, बहुत बढ़िया पेज काट, बढ़िया देखने वालों को भी मजा आ गया कि बीच में वाला पेज हुआ बीच में रख रख के।
और पता कर लेते हैं हम लोग अपने कैप्टन से नासिर भाई से। कहाँ गए मैं नासिर भाई? नासिर भाई पहले बताइए क्लब का नाम क्या आपके? ऊपर देखो, ऊपर नहीं देखो, नाम बताइए, नाम बताइए, ऊपर नहीं देखो, नाम नहीं बता, नाम बताइए। जावेद भाई नाम नहीं बता रहे हैं जी, आकाश का एक क्लब है, बताइए ऊपर देखे। और मच्छर, मच्छर देख लो। मच्छर। तो ये रहा हमारे सलमान भाई भी। सलमान भाई आज का गेम कितने टिकट से जीते आप लोग? छह टिकट से जीते। और गेम के बारे में क्या कहना है? अजहर भाई ने, अजहर भाई ने गेम पलटा लास्ट में, बड़ा ताकत वाला जो पेज दिखाए हैं, जो वीडियो भी देखेंगे वो भी कहेंगे क्या बीच में रख के पेज हुआ है। बढ़िया मैच हुआ है। और एक चीज और, हाँ एक चीज और पुनीत, ये मिराज भाई जड़ी बूटी खा रहे, ये भी नहीं बता रहे, अब तो अंधेरा हो गया। भाई ने भाई टेढ़ा कर दिया, बढ़िया भाई लड़ा दिया। ये हमारे हैप्पी भाई, बढ़िया। नासिर भाई आज तो हवा बढ़िया थी, आपने मतलब लड़ाया नहीं, लड़ाने का टाइम नहीं था ना, लड़ाई का टाइम नहीं था। अच्छा क्लब का नाम तो बता दीजिए, कर दो खाली, क्लब ऊपर कर दो, क्लब का नाम बता दीजिए, ऊपर। ये बहुत तपरी बाजी ले रहा है, बहुत तपरी बाजी, ऊपर कहाँ उड़ रही है ये बताओ, कहाँ उड़ रही है। तो तीसरे दिन का भी बहुत बढ़िया गेम हुआ आकाश दिल्ली का स्पीड लखनऊ से, और चौथे दिन का गेम होगा इनका A1 काइट क्लब लखनऊ से, और देखने वाला गेम होगा, कोशिश करेंगे उसको भी कवर करने की।